ना, पर समझने की कोशिश करते हैं। लेक्चर समझाने से पहले, मैं थोड़ा सा क्लैरिटी इस चीज पे ले लेता हूँ कि कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए और इसको क्वेश्चन को करते कैसे वो क्लियर होना चाहिए। पक्का? मान के चलो कुछ भी नहीं आता, क्लियर? ऐसा मान के चलो एक नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं, क्लियर है क्या? एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से है, अगर किसी को फ्री फॉल के क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने दिमाग में कंसेप्ट बना चुके हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं आता तो मान के चलो सर जिंदगी में कभी फ्री फॉल वर्ड नहीं सुना था, क्लियर है क्या? श्योर हो? हाँ, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, शांति से सुनना। अगर आज, पता है, आज ऐसे समझ लो आज आखिरी में अपन ऐसे वाले क्वेश्चन करने वाले हैं, सर एक आदमी ने, एक भौकाल ने यहां से स्टोन फेंका, एक भौकाल ने यहां से स्टोन फेंका, तो कितने समय के बाद दोनों शाहरुख खान और काजल की तरह गले मिल लेंगे, समझ रहे हो? अपन वैसे लेवल पे क्वेश्चन करेंगे। IIT 2007 में आया है ना, AIEEE 2011 में आया है और नीट 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है? बट आपको ऐसा मान के चलो कुछ भी नहीं आता, क्लियर है क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ, आज तक आपने फ्री फॉल वर्ड ही नहीं सुना, चलेगा? स्टार्टिंग से करते हैं एंड तक। हाँ, आदित्य कह रहा है एक दो क्वेश्चन थे सर, बिल्कुल थे आदित्य, 9th स्टैंडर्ड की बुक में आपके एक दो क्वेश्चन थे, बिल्कुल थे, बट अब मैं जो करवाने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा हम अलग प्रिडिक्शन करेंगे, क्लियर है? हाँ, मान के चलो ना कुछ भी नहीं आता, मान के चलो कुछ नहीं आता, क्लियर? हाँ, चलिए साथ में लिखो, फ्री फॉल, लिखो। इफ अ बॉडी इज ओनली अंडर द एक्शन ऑफ, इफ द बॉडी इज ओनली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स अकेली ऐसी चीज है ना, ग्रेविटेशनल है जो अकेली ऐसी चीज है जो बॉडी पे लग रही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, बराबर? श्योर हो? अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं, कि क्या बोलते हैं, वो बॉडी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सिर्फ फ्री फॉल कर रही है। हाँ या ना? इफ अ बॉडी इज ओनली, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो बॉडी फ्री फॉल कर रही है। मतलब क्या सर? मतलब मान लो आपने छत से एक छोटू से स्टोन को फेंक दिया होता, क्लियर है? श्योर हो? तब हम कहते कि वो बॉडी फ्री फॉल कर रही है। सर और कोई एग्जांपल दो, जब बॉडी को फेंका तभी वो फ्री फॉल नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल, मैंने एक स्टोन को रस्सी से बांधा हुआ था यहाँ पे, बराबर? वो खुद तो गिर ही रहा था, मैंने रस्सी से और तेजी से खींचा उसको, समझ रहे हो? मतलब वो खुद तो गिर ही रहा था, मैंने उसको रस्सी से और तेजी से खींचा, तो कहीं ना कहीं ग्रेविटी तो काम कर ही रही थी, मेरा एक्सटर्नल फोर्स जो मैं लगा रहा था उस स्टोन पे वो भी काम कर रहा था, समझे क्या? एक बात बताओ, एक तरफ ऐसा स्टोन फ्री फॉल हो रहा है, बराबर, और एक तरफ सर वो गिरा, हमने छोड़ा, पर आप नीचे से उसको तेजी से खींच भी रहे हो रस्सी से बांध के, वो स्टोन जल्दी नीचे आएगा ना? हाँ या ना? गलत बात है कि सही बात है? श्योर हो? पक्का? तो मतलब एक तरफ हम कह सकते हैं, सर दिस इज द कंडीशन फॉर फ्री फॉल, हाँ या ना? श्योर? दूसरी बात समझना सर, आप कह रहे हो फ्री फॉल में, सिर्फ ग्रेविटी काम करेगी, मतलब एक्सेलरेशन 9.8 रहेगा सर, और गारंटी है कि 9.8 रहेगा कि चेंज होता है? सोच के बताओ, गारंटी है कि चेंज होता है? गारंटी है सर, कांस्टेंट रहेगा या चेंज होते रहेगा? गारंटी 110% सेम, क्या यहाँ पे लिखना सही है क्या? सर आप तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो सर, हाँ या ना? थोड़ा सा पेन अटक रहा है, पता नहीं क्यों, पर होपफुली आप लोगों को दिख रहा होगा, चलेगा? थोड़ा पेन अटक रहा है? हाँ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है कि नहीं है, सोचो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है कि नहीं है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या? मतलब एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, हाँ या ना? एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, हाँ या ना? नहीं, सही बात है,
एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मतलब कुछ तो है, मतलब वेलोसिटी तो चेंज होना पड़ेगा, हाँ या ना? अरे गलत बात किसी बात है, श्योर है कि नहीं है? देखो लावण्य बिल्कुल सही कह रही है, बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही कहा, नीरल ने बिल्कुल सही कहा, राजकुमार जी ने बिल्कुल सही कहा, तन्वी ने सही कहा। अरे वेलोसिटी तो चेंज होना पड़ेगा ना, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो कैसे चलेगा, हाँ या ना? सही बात है कि गलत बात है? मतलब क्या ये कहना सही है? आप ये कहना चाहते हो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी भले ही चेंज हो रही है, हो सकता इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो, हाँ या ना? अरे गलत बात है किसी बात है, बराबर है? हो सकता इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो, हो सकता इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो, तो धीरे धीरे करके वेलोसिटी बढ़ जाएंगी, इससे ज्यादा कुछ होगा क्या? इससे ज्यादा कुछ होगा? श्योर हो? पक्का? कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर इक्वेटर और पोल्स पे ग्रेविटी अलग अलग होती है, बहुत माइन्यूट से फर्क होता है, होती है, बट हम यहाँ पर एक केस मान रहे हैं आर्यन कि फॉर एग्जाम्पल आप सभी जगह आइडियल केस लीजिए और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम रहेगी, हम आइडियल केस ले रहे हैं, समझ रहे हो, एक जनरल केस, क्योंकि वहां पे रेडियस का फर्क आता है अर्थ के, है ना? हाँ, हम मान रहे हैं इन जनरल कि आइडियल केस है। आगे सोचो, आगे सोचो, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि अगर एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है तो हमने जो उस दिन तीन फॉर्मूले पढ़े थे आप वो अप्लाई करोगे बीच बीच में? बिल्कुल, समझ रहे हो क्या? श्योर हो क्या? मतलब आप कहना चाहते हो कि तीनों के तीनों फॉर्मूले जो हमने लिखे थे वो पूरी तरह से अप्लीकेबल है? बिल्कुल अप्लीकेबल है। लिखो जल्दी, लिखो जल्दी जल्दी लिखो। नहीं, ए जी होता है रुचिका, ए जी होता है बेटा, माइनस जी होता है, क्या होता है क्या नहीं होता सब सिखाता हूँ, पर 5 मिनट रुक जा, मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों को भी आता है ये बात, मुझे भी पता है, बट हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम पूरा का पूरा कंसेप्ट फिर से पढ़ेंगे, ठीक है? क्या लिखा है? दिलशान कह रहा है कि अगर 1 किलो आयरन छोटा सा टुकड़ा होगा और 1 किलो कॉटन को सेम समय पे थ्रो कर दिया जाए तो पहले कौन गिरेगा? देखो दिलशान भैया, दो चीज समझना, पहली बात तो 1 किलो 1 किलो है ना, अगर आपने वो कॉटन के बॉल को इतना संक्रमित कर दिया, इतना छोटो कर दिया, इतना एक ऐसा गठीला बना दिया कि उसमें एयर रेजिस्टेंस कम से कम लग रहा है, बराबर, तो दोनों साथ में गिरेंगे दोस्त, क्योंकि वो डेंस होगा। और तुम बोलोगे नहीं सर, मैंने चद्दर की तरह फैलाकर, बराबर, एक बहुत बड़ा एरिया बनाकर उसको गिराऊंगा, तो एयर रेजिस्टेंस के कारण, एयर रेजिस्टेंस के कारण वो ऊपर ऊपर में आराम आराम से आएगा, समझ रहे हो क्या? तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके के शेप में बनाकर फेंकते हैं, क्लियर? कुछ बच्चे कह रहे हैं आयरन पहले गिरेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, अगर आपने कॉटन के बॉल को एकदम छोट, आपने देखा होगा कभी कभी कॉटन का बॉल जो होता है अगर उसको आप बहुत बहुत टाइट कर दो एकदम प्रेस करके, वो भी अच्छा गठीला बन जाता है, वो एयर को चीर सकता है, बराबर। और अगर वही आप एकदम लेयर बनाओ, लेयर बनाओ एकदम लेयर, पतली लेयर, तो वो हवा में तैरेंगी, फिर ऐसे ऐसे आराम आराम से तैरेंगी, क्लियर है क्या? हाँ, भूषण कह रहा है वेट कॉटन लो सर आप, वेट कॉटन तो और तेजी से गिर जाएगी, समझ रहे हो? वैक्यूम में तो दोनों, वैक्यूम में तो कुछ भी गिराओ, तुम खुद भी गिर जाओ कॉटन के साथ, पता चला वो हैमर के ऊपर चढ़ के तुम ही गिर जाओ, वो आराम से गिरेंगे सबके साथ, वैक्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ता ना, ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही, बराबर है? श्योर हो? एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बेहद 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, भूल जाओ। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें प्रॉब्लम जाती है साइन लेने में, वो ही सिखा रहा हूँ, यहाँ पे लिखो साइन कन्वेंशन, लिखो साइन कन्वेंशन, बराबर, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ। सर इवन इफ देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, इवन विद सिग्निफिकेंस डिफरेंस इन मास, हाँ आदित्य अगर देखिए एयर रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं रहेगा, अगर आप बोलते हो एयर रेजिस्टेंस जीरो है बेटा, तो फिर सिर्फ ग्रेविटी काम कर रही है उस पे, मतलब दोनों के दोनों बॉडी साथ में गिरेगी, दोनों के दोनों बॉडी साथ में गिरेगी, क्योंकि आप ये सोचो कि उनकी स्पीड बढ़ाने में या उनको डिस्टेंस ट्रेवल करने में कौन कौन योगदान दे रहा है। जब आप बोलते हो कि एयर रेजिस्टेंस बिल्कुल भी जीरो कर दूंगा, एक एक दाना भी एयर रेजिस्टेंस नहीं रखूंगा, तो दोनों दो साथ में गिरेंगे, फिर वजन को भी छोड़ दो, बराबर, फिर वजन भी छोड़ दो, फिर एक छोटी सी चींटी रहे या हाथी रहे, साथ में गिरेंगे, क्लियर? श्योर हो? क्या लिखा है? हाँ, यश बड़वाई जी क्या कह रहे हैं?
ये बड़ भाई जी, ड्रैग फोर्स मतलब आप रेजिस्टेंस ही बोलना चाहते हो बेटा। ड्रैग वर्ड आता है एयर के रेजिस्टेंस के लिए, या पानी में अगर आप स्विमिंग करते जाते हो ना, तो पानी को जो चीरते हुए जाते हो लेयर को, है ना, जिसको विस्कस ड्रैग फोर्स कहते हैं, उसके लिए आता है दोस्त। ठीक है, हाँ फ्लूइड में बोल सकते हो, तन्वी बराबर बोल रही है, फ्लूइड में हो सकता है। हाँ फ्री फॉल में सरफेस एरिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, हम मान के चलते हैं। आप एक चैप्टर पढ़ोगे फ्यूचर में, जब आप मान के चलते हो तुम भी यही हो, हम भी यही है, गाड़ी भी यही है, घोड़ा भी यही है, सब कोई यही है, इसको बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम, है ना, सब कोई यही है फिजिक्स में, इसको बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम, बराबर। हाँ दुनिया की सब चीजें यही है, ठीक है। हाँ अब ध्यान सुनना, गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना, क्लियर। हम कहाँ पर है, हम खड़े हैं सर धरती माता पे, बराबर बराबर है ना। हम क्या कर रहे हैं सर, हम बॉल को ऊपर थ्रो करने की इच्छा रख रहे हैं, बराबर। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, जहां से, सुनो लाइन बोलो साथ में, लाइन बोलो, जहां से आप बॉल को थ्रो करेंगे, क्या बोल रहा हूं मैं, जहां से, नहीं मेरे को समझता ही नहीं, -g + g + u + कुछ नहीं समझता जो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, कभी कभी जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्लियर है, सुनो मेरे साथ। जहां से आप किसी चीज को मेजर कर रहे हैं, मैंने क्या बोला, जहां से आप किसी चीज को मेजर कर रहे हैं, मतलब मान लेते हैं सर यहां से हमारा मोशन स्टार्ट हुआ, बराबर है, हम यहां से इसको ऊपर फेंकने वाले हैं, क्लियर है क्या, मैं क्या बोल रहा हूं, जहां से आपने अपना मोशन गिनने की इच्छा रखी, बराबर, वहां से बनाओगे एक लेवल जीरो, इसको क्या कहेंगे, लेवल जीरो, हाँ या ना, श्योर हो कि नहीं हो, पहले यहां पे क्लियर कर लेते हैं मीनिंग क्या क्या है। व्हाट इज एस, एस इज नॉट डिस्टेंस, प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस, लिखो वहां पे एस क्या है, लिखो डिस्प्लेसमेंट, लिखो डिस्प्लेसमेंट, लिखो 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 लिखो, क्या लिखा है, हाँ बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट है, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट है। आयुष जी कह रहे हैं हाइट जीरो है, आयुष एक मिनट रुकना बेटा, हाँ लिखो, और यहाँ पे लिखो फाइनल वेलोसिटी, लिखो फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे लिखो इनिशियल वेलोसिटी, लिखो, हाँ बराबर है यार, पता है एक बात बहुत बुरी है, तुम बोलते नहीं हो, बोलते क्यों नहीं, बोलते क्यों नहीं, बोलो, जहां से आप किसी चीज को गिनने की इच्छा रखते हैं उसको लेंगे लेवल जीरो, हाँ है ना, लेवल जीरो का। अच्छा हम ये क्या पढ़ रहे, सोचो हम ये क्या पढ़ रहे हैं सर, टॉपिक का नाम है फ्री फॉल, बराबर, टॉपिक का नाम है फ्री फॉल, बट रियल में दिस इज मोशन अंडर वाई डायरेक्शन और नॉट, हाँ है ना, इसको ये बोल सकते हैं ना, इट इज सर मोशन अंडर वाई डायरेक्शन, सर ऊपर में पॉजिटिव, सर नीचे में, बीच में ओरिजिन, सर नीचे नेगेटिव, हाँ या ना, गलत बात है कि सही बात है, बराबर। मतलब आज से दिमाग में बांध लीजिए, आज से दिमाग में बांध लीजिए, अगर जिंदगी में लेवल जीरो का मीनिंग क्या है, सौम्य लेवल जीरो का मतलब ये अपना ओरिजिन, इसके ऊपर आने वाली सारी चीजें, इसके ऊपर आने वाली सारी चीजें, क्या ये एक्स एक्सिस है, हाँ ऐसा मान लो ये एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर आने वाली सारी चीजें पॉजिटिव, इसके नीचे आने वाली सारी चीजें नेगेटिव, हाँ या ना, श्योर हो, कोई डाउट नहीं, पक्का, सोचो 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 सर, मान लो मान लो, सोचो सर हमने बॉल को ऊपर फेंका सर, वो ऊपर जाके यहाँ पे आके रुक गया सर, बराबर, 2 मिनट पल भर के रुका है, क्षण भर के रुका है, 0.00000001 सेकंड पे रुका है, पर रुकेगा कहीं ना कहीं, हाँ या ना, मोशन समझिए दिमाग में सर। आप देखो अपन बचपन में खेलते थे, फेंकते थे कंचा, बराबर, कंचा फेंकते थे, बॉल फेंकते थे, तो सबसे शुरू में वेलोसिटी बहुत ज्यादा सर, स्विंग, समझ रहे हो, यहाँ पे आके एक पल के लिए रुका, जूम, तेजी से गिरता था फिर, बराबर है कि नहीं है, हाँ या ना, तो हम यहाँ पे कहेंगे, क्या कहेंगे सर, इनिशियल वेलोसिटी यू है, पर जीरो बोलने वाले को पाप पड़ेगा, अबे जीरो होती तो हिलती की अपनी जगह से, सोचो हिलती, पर कहाँ फेंका, ऊपर फेंका ना, मतलब सर यू इज पॉजिटिव, हाँ या ना, श्योर हो कि नहीं हो, मतलब क्या कहोगे, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सर, अगर आप ऊपर गए तो एस पॉजिटिव, अगर मान लीजिए सर आप नीचे आए तो एस नेगेटिव, हाँ या ना,
क्लियर है? अगर आपकी वेलोसिटी ऊपर रही तो यू या वी जो भी है सर वो पॉजिटिव, अगर आपकी वेलोसिटी नीचे तरफ आई तो यू या वी जो भी है सर वो नेगेटिव। गलत बात है कि सेम बात है? बट प्लीज समझिए, एक्सेलरेशन है क्या यहां पर? बोलो एक्सेलरेशन है या नहीं है? एक्सेलरेशन है या नहीं है? संकल्प कह रहा है अगर ऊपर से नीचे छोड़ दिया तो क्या होगा? थोड़ा सा वेट कर संकल्प, दो मिनट रुकना। एक्सेलरेशन अगर क्या है, नहीं तुम बताओ एक्सेलरेशन क्या है। नीरज जी मैं ना फ्री फॉल पढ़ा रहा हूं दोस्त, ठीक है? हाँ एक्सेलरेशन क्या है? नहीं माइनस वाइनस नहीं समझता, एक्सेलरेशन क्या है? सिर्फ ग्रेविटी है कि नहीं है? सिर्फ ग्रेविटी है कि नहीं है? कुछ और है क्या एक्सेलरेशन में? ग्रेविटी के अलावा कुछ है क्या? सोचो एक्सेलरेशन में ग्रेविटी के अलावा कुछ है? सर नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। मतलब आप ये कहना चाहते हो बॉडी कभी भी किसी भी पल पे कहीं पर भी हो सिर्फ नीचे की तरफ ग्रेविटी उसको खींचेंगी? धरती माता से बड़ा प्यार है बॉडी को, वो नीचे ही जाती है, हाँ या ना? वरना आज हम पंछियों के जैसे उड़ते, बराबर है कि नहीं है? सही बात है कि नहीं है? हमेशा हम पर जो ग्रेविटी लग रही है वो नीचे की तरफ लग रही है कि नहीं लग रही है? मतलब आप ये कहना चाहते हो हम कहीं से भी लेवल ऑफ जीरो ले ले, कहीं से भी लेवल ऑफ जीरो ले ले, आप कहना चाहते हो कि जी हमेशा ना माइनस 9.8 रहेगा? हाँ। क्लियर है क्या? अरे श्योर है क्या? पर इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई कैलकुलेशन मैं अभी से क्लियर कर देता हूं, मैं माइनस 10 लिया करूंगा, चलेगा? सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए। क्लियर है? क्या हुआ रुचिका मैडम, क्या क्लियर बोल रहे हो? नहीं समझा या फिर पूरा समझा है? सुनो सुनो, एयर रेजिस्टेंस नहीं लेंगे बेटा संकल्प, एयर रेजिस्टेंस पिक्चर में नहीं लेने वाले। दैट इज नोन एज ड्रैग फोर्स, दैट विल कम अंडर अ चैप्टर नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, है ना? हाँ, आखिरी बार रिपीट कर रहा हूं, ये था हमारा केस वन। साथ में बोलोगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार समझाने की। सुनिएगा, सर मैं जमीन पे खड़ा था, मैंने बॉल को ऊपर फेंका, तो जहां से मेरा स्टार्ट मोशन स्टार्ट हो रहा था उसको कहते हैं धरती माता, हाँ या ना? ग्राउंड को लेंगे लेवल जीरो, ग्राउंड चीज नेगेटिव, हाँ या ना? सर ये माइनस 9.8 क्या है? ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बट कैलकुलेशन के पर्पस से हम उसको माइनस 10 लेंगे, हाँ या ना? सर पर आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो नहीं, वो सब समझता है नहीं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, मैं जा रहा ग्राउंड से ऊपर, बराबर? मैं जा रहा ग्राउंड से ऊपर, मैं जा रहा लेवल जीरो से ऊपर, क्लियर है क्या? बॉडी ऊपर नीचे जाए, आगे पीछे जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कहाँ जा रहे बताओ, हम कहाँ जा रहे? सर जहां पे आपने ग्राउंड लेवल रखा उससे ऊपर, हाँ या ना? गलत बात की सही बात है, बराबर? श्योर हो? सोचो, इमेजिन करो सिचुएशन क्या होगी। सर पहले फेंका था ना, क्या तेजी से गया सर बॉल, एकदम तेजी से और धीरे धीरे करके बॉल रुका सर। पहले हो सकता बॉल की वेलोसिटी 50 होगी, अगले पल 40, 30, 20, 10, 0, एक पल के बाद 0 हुई, हाँ या ना? अरे गलत बात की सी बात है, बराबर है? बराबर है कि नहीं है? श्योर हो? सर मतलब आप ये कहना चाहते हो कि बॉडी की स्पीड पहले से लगातार धीरे धीरे करके कम हो रही है? बिल्कुल। क्लियर है क्या? एक समय पे आके वो रुक जाएगी? बिल्कुल। क्लियर है? आज का सेशन अपलोड कर देना। हाँ मैं आज का सेशन अपलोड कर दूंगा, टेंशन मत। क्लियर? सर मतलब आप ये कहना चाहते हो ऊपर जाके अगर वेलोसिटी जीरो हो गई तो धीरे धीरे नीचे आके फिर बढ़ने लग जाएंगी? हाँ बढ़ने लग जाएंगी। सर ऐसे कैसे बोल सकते हो? आपने तो एक्सेलरेशन को नेगेटिव लिया, फिर वेलोसिटी तो हमेशा कम होती रहनी चाहिए थी। अरे तो कम हो रही है ना, सुनो ना, जब यहां से गई थी तो 50 से गई थी, हाँ या ना? अरे गलत बात किसी बात है। चलो भूषण से थोड़ा बात करेंगे, किससे बात करेंगे? ये कौन है भैया नया चेहरा? पार्थ जी थोड़ा बात करोगे क्या? आपको समझ रहा है, दिमाग में बैठ रहा है? यस सर। पार्थ एक बात बता, मान ले मैंने 50 की स्पीड से फेंका होता, बराबर? श्योर है? हाँ, तो वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होती? श्रेय एक मिनट रुकना बेटा, तेरे से क्वेश्चन पूछता हूँ ना, एक मिनट। धीरे धीरे क्या होगा आपके ऑब्जर्वेशन, क्या डेली लाइफ के ऑब्जर्वेशन? जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उसकी वेलोसिटी कम होगी, कम होगी। तो ऐसा मानू क्या, 40, 30, 20, 10 और फाइनली आके 0, हाँ या ना? हाँ।
तो ये वेलोसिटी सब ऊपर की तरफ थी इसलिए पॉजिटिव थी ना दोस्त, हाँ या ना? सोच अब नेगेटिव कैसे होगी, यहाँ पे जब नीचे वापस पलट के आएगी तो डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव, नेगेटिव है। अब कुछ बच्चे के मन में क्या आएगा, नहीं ना सर आप तो ग्राउंड के ऊपर हो ना सर, कैसी बातें कर रहे हो? अरे ग्राउंड के ऊपर है पर देखिए ना डाउनवर्ड डायरेक्शन है कि नहीं है, ये ग्राउंड के डाउनवर्ड डायरेक्शन है या नहीं है? जब जब नीचे के तरफ एरो बनेगा, मैं क्या बोल रहा हूं, जब जब नीचे के तरफ एरो बनेगा नेगेटिव, जब जब ऊपर के तरफ एरो बनेगा पॉजिटिव, हाँ या ना? अभी वेलोसिटी क्या होगी दोस्त आगे बताएगा? माइनस, हाँ माइनस 10, माइनस 20, माइनस 30, माइनस 40 और फाइनली माइनस 50, यहां पर सेम। क्लियर है क्या? श्योर हो? मान लो दूसरी कंडीशन, बार अपने आप को म्यूट करेगा प्लीज, मान लो दूसरी कंडीशन, अगर मैं ये कहता क्या हुआ, वीडियो ऑन करने की परमिशन दो, हाँ कर लो ऑन कर, कोई दिक्कत नहीं ऑन कर, है ना? मान लो मैं ये कहता, ये लिख लियो क्या, लिखो प्लीज, जब तक एक क्वेश्चन क्या पूछा है किसी ने, दिलशान जी आप हाथ मत रेस करो बेटा, अगर आपको लगे ना तो आप डायरेक्ट पूछ लो चलेगा, समझा? ओके सर, एक्सेलरेशन अपवर्ड में पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव? देखो तन्वी, अगर ऐसा कोई एक्सेलरेशन है जैसे आप खींच रहे हो उसको बॉल को ऊपर, तब एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ सकता है मैडम, पर फ्री फॉल में हम ऐसा कुछ भी नहीं लेते, ठीक है? फ्री फॉल में हम ऐसा कुछ भी नहीं लेते, क्लियर है क्या? हाँ आगे चले, ओके चलिए ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, फिर आगे समझते हैं इसको और डिटेल में। सर मान लो आपने बिल्डिंग से फेंका होता तो किसी चीजों को, तो उस समय कृपया करके ध्यान दे, ग्राउंड को नहीं लेना है लेवल जीरो, क्लियर है क्या? जमीन तो यहां पे है ना भाई, हाँ या ना? तुमने कहां से फेंका, यहां से, इसको लेंगे लेवल जीरो, हाँ या ना? मैंने क्या बोला था, जहां से शुरुआत होती है उसको लेवल जीरो मानते हैं, क्या ये सही बात है कि नहीं बात है? क्लियर है? श्योर हो? खुशी आप मुझे कॉल कर लेना बेटा, अगर आपको पहले का कुछ चाहिए होगा लेक्चर तो आप कॉल कर लेना, अभी इसको समझते हैं, ठीक है? आगे शांति से समझो, आगे शांति से समझो, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि अगर हम लोग नीचे तरफ गए तो हम तो नीचे जाएंगे सर, ऊपर तो आएंगे नहीं, हाँ या ना? मतलब आप ये कहना चाहते हो कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव रहेगा, हाँ? क्लियर है क्या? मतलब आप ये कहना चाहते हो हमारी इनिशियल वेलोसिटी तो मरी हुई थी सर, जीरो थी, हमने एकदम ऐसा तुई छोड़ दिया, बराबर? मतलब आप ये कहना चाहते हो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेंगी वो नेगेटिव बढ़ेंगी, हाँ? मतलब आप ये कहना चाहते हो कि ग्रेविटी नेगेटिव होती है, अरे ग्रेविटी तो वैसे ही नेगेटिव होती है, कभी भी नेगेटिव होती है, हाँ या ना? क्लियर है क्या? श्योर हो क्या? पक्का सर? क्या वेलोसिटी हर सेकेंड माइनस 9.8 बढ़ेंगी? हाँ आदित्य आप सही कह रहे हो, देखो यहां पर अगले पल 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन का मतलब ही तो होता है दोस्त, अगर एक्सेलरेशन 10 है इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी में 10 का चेंज आएगा हर पल, हाँ या ना? सर अगर ऊपर से पत्थर फेंक के मारा तो वो ये फ्री फॉल का केस है, बट अगर आपने ऐसे जानबूझ के किसी को ऐसा मारा ले मर ऐसा करा तो फिर आपने इनिशियल वेलोसिटी कुछ 10 दी होगी, मान लेते आपने इनिशियल वेलोसिटी कुछ उसको 10 दी होगी, फिर 10 से चालू होगा अगले पल 20 30 40 50 ऐसा, क्लियर? सर हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं, कौन से इस केस में है? नहीं श्रेय मैं आपको क्लियर करता हूं, आप पॉजिटिव नेगेटिव में कंफ्यूज मत हो, क्योंकि एक पॉजिटिव या नेगेटिव साइन कंफ्यूज करोगे पूरा आंसर गड़बड़ हो जाएगा, क्लियर? मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं आपको मीनिंग क्लियर होगा, चलेगा क्या? थोड़ा सा रुको, पक्का? थोड़ा सा रुको सर, जब बॉल पर जाएगा तो साइन क्या रहेगी? हाँ सिमरन कह रही है जब बॉल यहाँ पे पहुंच जाएगा तो साइन क्या रहेगी, समझाऊंगा, वो केस पे बॉल की कोई साइन नहीं रहेगी क्योंकि वहां पर वो सारी चीजें चेंज कर रहा है, बराबर? हाँ ठीक है, ध्यान से सुनना, आगे चलू, शांति से क्वेश्चन करते हैं, चलेगा? एक क्वेश्चन करते हैं, मीनिंग समझाता हूँ, क्लियर करता हूँ, पक्का? एक ही इसमें दोनों क्वेश्चन करवा देता हूँ, क्लियर? आपकी जैसी मर्जी वैसा करना, दोनों ही वैलिड है, स्टार्ट करें। आरुषि टेंशन मत ले, सुन ध्यान से सुन, एक क्वेश्चन लिखो साथ में, लिखो एक साथ में लिखो क्वेश्चन। सर हम ग्राउंड पे थे, ग्राउंड मतलब अपनी धरती माता, बराबर? हम धरती माता पे थे, बराबर?
मैं आपको दो तरीके सिखा रहा हूं, आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है आप अपने तरफ से यूज कर सकते हैं। क्लियर है क्या? शांति सुनिए सर, हमने बॉल को, पर प्लीज डू अंडरस्टैंड आई एम टेकिंग जी एज माइनस 10 एंड नॉट माइनस 9.8 सिर्फ कैलकुलेशन करने के पर्पज से। क्लियर है? हाँ, हमने बॉल को 30 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर फेंका, हाँ या ना? बराबर है। हमको पूछा गया है 4 सेकेंड के बाद, बराबर। क्या क्या पूछ रहा हूं ध्यान से सुनना, दिमाग में बैठा लेना एक बार में, क्लियर करता हूं सर। 4 सेकेंड के बाद बॉडी की डिटेल्स दीजिए, हाँ या ना? बॉडी की डिटेल्स का मतलब वो कहाँ पे रहेंगी, उसकी वेलोसिटी क्या रहेंगी, उस पर ग्रेविटी क्या काम कर रही है, वो कहाँ पर है कहाँ पे नहीं, बराबर। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, टोटल टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, हाँ या ना? मतलब सर कभी ना कहीं तक यहां तक पहुंचा होगा ना वो बॉल, हाँ या ना? कभी ना कभी पहुंचा होगा, तो उसने मैक्सिमम कितनी हाइट कवर की? व्हाट इज द स्पीड नीडेड टू गो अगेंस्ट ग्रेविटी, इवन 0.00001 कैन गो अगेंस्ट ग्रेविटी, बट वो जल्दी रुक जाएगा, बस फर्क क्या पड़ रहा है, आपने स्पीड दोगे तो वो हिलेगा तो सही, बिल्कुल हिलेगा दिलशान, है ना? टोटल टाइम फॉर दी टोटल पाथ कवर्ड, इसका मतलब क्या होता है सर, क्या लिख दियो? देखो ये समझ रहे हो पूरा, क्लियर है? चलो कुछ बच्चे कह रहे हैं फाइनल वेलोसिटी भी निकाल देना सर, ठीक है ठीक है। फाइनल वेलोसिटी सुनो, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड्स एंड 6 सेकेंड्स, समझ रहे हो क्या? अब कृपया करके ध्यान दे, आपका काम है ध्यान से सुनो क्या बोलो, आपका काम है शांति से सब सुनना एक बार, क्लियर है? जब आपको पूरा क्लियर हो, पूरा प्रोसेस क्लियर हो, आप खुद करना, चलेगा क्या? शांति सुनो, आपको जैसा लगे बाद में करना, क्लियर? सुनिएगा मेरी बात सर, अलग अलग क्वेश्चन है, हम कुछ ऐसा प्रोसेस लगाते हैं जिससे सारे के सारे क्वेश्चन की वैलिडिटी एक साथ चेक हो जाए, क्लियर? मैं समझना ही नहीं चाहता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मैं सिर्फ ये देखूंगा केस नंबर 1, सर मेरा बॉल ऊपर जाके ऐसा रहा तक रुक गया है, हाँ या ना? श्योर हो? अब मेरे साथ बोलो, आपने बॉल कहाँ से फेंका? मैं सिर्फ केस की स्टडी कर रहा हूँ, मेरे को कोई क्वेश्चन का आंसर निकालना ही नहीं है, मैं इच्छा ही नहीं रखता कोई क्वेश्चन का आंसर निकालने की, बराबर। मैं क्या बोल रहा हूँ, बॉल कहाँ से फेंका वो बताओ, बॉल कहाँ से फेंका? ग्राउंड से, बराबर। सर आपने बॉल ऊपर फेंका तो जो भी हाइट आपने कवर की होगी उसके रिस्पेक्ट में पहले इसको लेवल 0 बोल लेते हैं, हाँ या ना? श्योर हो? जो भी आपने ऊपर फेंका होगा हाइट पॉजिटिव आएगी कि नहीं आएगी? अरे हाँ या ना, बराबर है। यू पॉजिटिव है कि नहीं है? यू इज प्लस 30 और माइनस 30, इट इज ऑब्वियसली प्लस 30 क्योंकि ऊपर फेंका है, हाँ या ना? सर वेलोसिटी कितनी है? सर फाइनल वेलोसिटी तो सर 0 होती है सर, क्योंकि सर वो ऊपर जाके रुक गया सर, हाँ या ना? एक्सेलरेशन कितना है बोलो, एक्सेलरेशन कितना है बोलो। सर ऊपर जा रहा सर एक्सेलरेशन, 10 लोगो से 10, माइनस 10 की 10, 10 की माइनस 10, जल्दी 10 की माइनस 10 सोचो, 10 की माइनस 10, माइनस 10, 10 नहीं लेना, माइनस 10 ऊपर नहीं जाता, अरे बॉल ऊपर जा रहा है भैया, ग्रेविटी तो नीचे लगती है हमेशा, ग्रेविटी बोलती है मैं नीचे लगूंगी, तू ऊपर जा, नीचे जा, आगे जा, पीछे जा, कहीं पे घोंसले पे जाके बैठ जा, मैं तो नीचे ही लगूंगी, क्लियर है क्या? ग्रेविटी कभी भी ऊपर नहीं लगती, क्लियर है? श्योर हो? अच्छा एक क्वेश्चन पूछो क्या, मेरा मन कर रहा है पता नहीं, जैसे मैं बोल रहा हूं ग्रेविटी ऐसी भी लग सकती है और ग्रेविटी ऐसी भी लग सकती है, क्या लग सकती,
ऐसे पूछ रहा हूँ। कुछ बच्चे कह रहे नहीं लग सकती, लग सकती है ना। देखो ये धरती है बराबर, ग्रेविटी एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ है ना, धरती के सेंटर के तरफ एक्ट करती है, तो ऐसा एक्ट कर सकती है ठीक है, तो ऐसा लगती है। वो अलग बात है कि जब आप यहाँ पे खड़े होंगे तो वो आपको नीचे भी आते हुए दिखेंगे ठीक है। अरे मजाक कर रहा था, पर ये सच है जो मैंने आपको पूछा वो सच है ठीक है। हम वो क्वेश्चन भटकते नहीं अपने इससे, हमारे आधे अधूरे ज्ञान का मजाक मत उड़ा। अरे तुम सीखोगे ना तो तुम लोग टेंशन क्यों लेते हो, ये क्लियर है। वैसे आधा अधूरा ज्ञान नहीं था, तुमने ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ा है ना, ग्रेविटेशनल चैप्टर में बोला गया है ग्रेविटी एक्ट टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, क्लियर है। हाँ उल्लू बना रहे हो, अरे नहीं उल्लू नहीं बना रहा, सुनो सुनो आगे सुनो, क्लियर है क्या। एक्सेलरेट बोलो, अरे बोलते नहीं यार बहुत गलत है, बोलो एक्सेलरेशन -10 रहेगा हाँ या ना। गीत में आखिरी में वेट कर लेना, टेंशन मत ले, मैं तो दिखा दूंगा स्लाइड ठीक है। क्लियर है क्या, पक्का श्योर हो सर? तो हम टाइम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगाते वी और जो साइन है वही पुट करिए प्लीज, वरना गड़बड़ होगी। बोलो वेलोसिटी कितना, जीरो सर, इनिशियल 30 सर, एक्सेलरेशन -10, टाइम टी, कैलकुलेशन करेंगे तो सर टी इक्वल टू 3 सेकेंड्स आएगा। एक बहुत ही गजब चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना, चमकेगा। कितना टाइम लगा, कितना सेकंड लगा, 3 सेकेंड बराबर, 3 सेकेंड, समझ रहे हो क्या। ऊपर जाने को जितना समय, नीचे आने को भी उतना ही समय, क्लियर है, क्लियर है क्या। मतलब आप ये कहना चाहते हो 6 सेकेंड के बाद बॉडी वापस आ जाएंगी गांव में, हाँ बराबर है कि नहीं है, क्या लिखा है, 4 सेकेंड लेना है, लेते लेते कशिश 2 मिनट रुक जा, ये क्लियर है क्या, श्योर हो। अच्छा एक और चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, एक और चीज, मतलब आप ये कहना चाहते हो अच्छा 30 से ऊपर फेंका है तो 30 से नीचे आएगा, जब वापस आएंगी लौट के बॉडी, मतलब उसके नीचे तरफ वो ग्राउंड से 30 से टकराएंगी, हाँ समझे क्या। मतलब आपने इसको बोलना चाहा कि इसकी वेलोसिटी 30 रहेंगी नीचे की तरफ, हाँ समझे हो, डाउट ही क्लियर है। देखो जमीन में टकराने के बाद उसमें क्या चेंजेस आते ये नहीं जानना चाहता मैं जानना चाहता हूं कि जस्ट जस्ट पहले क्या था। चमक रहा है, चमक रहा है, चमक रहा है, आखिरी बार, आखिरी बार, आखिरी बार सुनो, 3 सेकेंड यहां पे रुकेगा, खाना खाएगा, आराम से बैठेगा, कितने देर के लिए, पल भर के लिए, बहुत बहुत ना ना भर ना, फिर तीस, फिर से 30, क्लियर है क्या, 30 बराबर, टाइम टोटल 6 सेकेंड, 3 ऊपर 3 नीचे हाँ या ना। मतलब आपने सर ये कहा कि 4 सेकेंड के बाद कहीं ना कहीं बॉडी कुछ ऐसी दिखेंगी सर, हाँ या ना। अरे गलत की सही है, बंसी कह रहा है 30 सेकेंड, बंसी 30 सेकेंड कहां से आ गई, तू पागल हो गई क्या, अबे क्या इतना बॉल कैसे, अब क्या रबर बॉल समझा, बार बार बाउंस करवाई ऐसा, ऐसा मत करा है ना। अच्छा गलती से लिखा, ओके हाँ, अच्छा स्पीड 30 सॉरी सॉरी हाँ ठीक है, क्लियर है क्या यहां तक। आगे सोचो मतलब सर टोटल टाइम कितना लगा पाथ कवर करने को, अरे 6 सेकेंड, समझे क्या, क्लियर है क्या सर। मतलब टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, अरे 3 सेकेंड, क्लियर है। ऐसा ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ऐसे कैसे। अच्छा सोचो, ऐसे ही पूछ रहा हूं, सोचो सर पहले सेकंड के बाद वेलोसिटी कैसी, जल्दी बताओ पहले सेकंड के बाद वेलोसिटी कैसी, 30 20 बराबर है कि नहीं है, उसके अगले पल 10, उसके अगले पल 0, उसके अगले पल क्या 10 किस तरफ, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ढंग से बताओ 10 किस तरफ, कुछ बच्चे लिख रहे 10, शर्म नहीं आती 10 बोलते हुए, -10 माइनस, अरे -10 गड़बड़ नहीं करना यार है ना, नहीं समझा क्या तो मैं समझाता हूँ, बताओ प्रॉपर समझाता हूँ पर गड़बड़ नहीं करना। ये इसमें क्या बोलोगे, डिटेल में क्या बोलोगे सर 3 सेकंड लगे ऊपर जाने को, 1 सेकंड लगा नीचे आने को, जब वो यहाँ पे पहुंचा था तो उसकी वेलोसिटी -10 थी, बट अगर आप एरो दिखा रहे हो सर तो 10 भी लिखना चलेगा, अगर आप एरो दिखा रहे हो तो। आर्यन कह रहा है 10-10 की गैप आती रहेंगी, हाँ आर्यन क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है ना दोस्त, 30 20 10 0 बराबर,
दस बीस तीस खत्म पूरा क्लियर श्योर हो आगे सोचो आगे सोचो आगे सोचो सोचो सर मतलब आप ये कहना चाहते हो कि बॉडी की डिटेल में ये तो 10 हुआ बराबर सोचो एक और चीज पूछ रहा हूँ सोचो सर ग्रेविटी तो -9.80 लगी ना 10 लेते 10 अपन 10 ले रहे 10 ही लेते ठीक है ये मीटर पर सेकेंड स्पीड और ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर है एक आखिरी और फाइनल चीज पूछ रहा हूँ अगर हिम्मत है तो करके दिखाओ डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना सोचो डिस्टेंस कितना एक मैं करके दिखा दू आप करोगे हाँ फ्रॉम ग्राउंड आदित्य फ्रॉम ग्राउंड ठीक है सुनो 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 अरे सॉरी स्क्रीन चेंज हो गई हाँ अरे सुनो मैं लिख के देता हूँ एक बार लिख के देता हूँ फिर आप लिखना ठीक है सर इन ऑर्डर टू फाइंड द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम केस वाइज स्टडी करते हैं सर बराबर बराबर है कि नहीं है अब ध्यान से सुनना जिन बच्चों को क्लियर नहीं है मैं क्लियर करके देता हूँ आप ये पूरा लिखोगे कुछ बच्चे आंसर लिख के दे रहे हैं कुछ बच्चे आंसर लिख के दे रहे हैं प्लीज ये पूरा लिखो नहीं डिस्टेंस आफ्टर 4 सेकेंड्स निकालना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 4 सेकेंड्स क्लियर है मैं एक बार पूरा ये लिख लियो क्या जल्दी बताओ ये लिख लियो क्या थोड़ा सा बताओ देखो ध्यान दो हम थोड़ा सा केस को रिपीट करते हैं एक बार है ना एक बार ऊंचा अरे रुको ना ये मरियल वाला क्वेश्चन मेरे को करने दो टफ वाला क्वेश्चन आप करना बराबर है हाँ मैं दोनों अलग अलग तरीके से सिखा देता हूं आपकी जैसी मर्जी वैसा करना क्लियर है हाँ हमारा बॉल यहां से ऐसा आया है क्या सभी बच्चों को समझा क्या यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है पक्का पक्का पहले ही बता दो श्योर है कि नहीं है देर इज वन मेथड नोन एज डिस्प्लेसमेंट मेथड बराबर देर इज अनादर मेथड नोन एज डिस्टेंस मेथड बराबर मैं आपको दोनों केसेस सॉल्व करके दिखाता हूं आपको जैसे सॉल्व करने की इच्छा है वैसे करना मेथड नंबर वन में प्लीज समझिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं सर आपकी इनिशियल पोजीशन ये थी सर आपकी फाइनल पोजीशन अब ये है हाँ या ना गलत बात है कि सही बात है सर हमको बाकी गीता नहीं समझती हमको सिर्फ इतना समझता कि आपकी फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन से कुछ हाइट पे है जो कि पॉजिटिव हाइट है सर बाकी हमको समझता ही नहीं बॉडी क्या नाच के गई होंगी पूरा गांव घूम के गई होंगी पहुंची यहाँ पे ना बस हमको वो समझता कि इनिशियल और फाइनल क्या है क्लियर है क्या श्रेय एक मिनट रुकना है बेटा मैं एक बार चेक करता हूँ तेरा आंसर सही है कि नहीं है ना ये क्लियर है क्या मुझे दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं मेरे को लेना देना नहीं है वो क्या कर रहा था डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है बोलो डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है तुम पूरा गांव घूम कर आए होंगे क्या बोल रहा हूं मैं तुम पूरा गांव घूम कर आए होंगे हमें फर्क नहीं पड़ता हमें फर्क पड़ता है इनिशियल और फाइनल पे हाँ या ना सुधांशु जी बिल्कुल सही कह रहे आयुष सही कह रहा है बराबर है तो मैं क्या करूंगा कि सर हाइट तो ऊपर के तरफ है हाँ या ना दूसरी चीज हाइट पॉजिटिव आनी चाहिए कि नेगेटिव आनी चाहिए सोचो हाइट पॉजिटिव की नेगेटिव सोचो हाइट पॉजिटिव की नेगेटिव पॉजिटिव क्यों क्योंकि सर वो ऊपर की तरफ है सिंपल सी बात है भाई बराबर है कि नहीं है क्लियर है कि नहीं है सर टाइम कितना है टाइम पॉजिटिव की नेगेटिव ऑब्वियसली पॉजिटिव किसी ने नेगेटिव बोला मैं मुंह तोड़ देता उसका अबे टाइम को कोई लेना देना नहीं साइन कन्वेंशन से वो पॉजिटिव है जिंदगी भर पॉजिटिव रहेगा वो कोई लेना देना ही नहीं है दूर दूर तक बराबर सोचो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव की नेगेटिव पॉजिटिव बराबर है श्योर हो और क्या चीज अपने को पता है सोचो और क्या चीज पता है सर s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा सकते हैं सर लगा सकते s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर बट वो पापी लोग जो प्लस माइनस की ऐसी तैसी कर देते हैं कृपया करके ध्यान दीजिए सोचो s पॉजिटिव है कि नेगेटिव है बोलो s क्या है पॉजिटिव की नेगेटिव पॉजिटिव h हाँ या ना गलती मत करियो एक तुमने प्लस का माइनस कर दिया ना तुमको झोल मिलेगा पूरा बराबर बोलो इनिशियल वेलोसिटी कितनी 30 × 4 सेकेंड्स हाँ या ना अरे गलत बात अच्छा ये बताओ ये डिस्टेंस देता है कि डिस्प्लेसमेंट देता है डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट देगा वो बराबर है बिल्कुल सही बराबर सोचो सर हाफ का हाफ लिखते हैं ए की वैल्यू क्या लिखू वो बताओ ए की वैल्यू क्या लिखू -10 बहुत अच्छे अच्छा एक और चीज सुनोगे क्वेश्चन लेके जाना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं पर मेरी क्लास रहेगी आपकी क्लास के बाद मैं 12:30 के पहले नहीं भेज पाऊंगा क्लियर
हाँ टाइम बोलो, चलो कैलकुलेशन करो, करो कैलकुलेशन करो, जल्दी जल्दी करो कैलकुलेशन। 120 दो चार कटा और कितना, 8 8 16, 120 40 मीटर, हाँ या ना। मतलब वो बॉडी जब आप उसको फेंक दोगे तो वो 40 मीटर ऊपर दिखेंगी, हाँ या ना। आपको पता है आपने क्या किया अभी, आसान है गलत है? नहीं गलत नहीं है, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, 110% करेक्ट है। शे क्या गलत है बता, AI ट्रिपल ई को मेंस बोलते हैं, AI ट्रिपल ई को मेंस बोलते हैं। IIT में नहीं था, सुनो सुनो, IIT में क्या था वो भी क्लियर करता हूँ, सुनो। IIT में था ऊपर से एक बॉल फेंका, यहां से नीचे से एक बॉल फेंका, दोनों मिक्स कब हो गए, कंसेप्ट सेम है, पूरा कंसेप्ट सेम है, सिखाता हूँ, क्लियर। IIT में क्या था, एक बॉल फेंक दिया, 3 सेकेंड के बाद दूसरा बॉल फेंक दिया, बराबर, तो वो कहां पे जाके मिले, पूरा सेम। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आए तो वो भी कंसेप्ट 110% समझेगा, क्लियर है क्या, श्योर हो? मानसवी कह रही है बट सर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी तो 30 मीटर है। सुनो सुनो, ये डिस्प्लेसमेंट जो आया है, सुनो, अब देखो, अब इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हैं, चलेगा, इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हैं सर बाय द डिस्टेंस मेथड। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है सर, यूनी डायरेक्शन होना चाहिए सर, यूनी डायरेक्शन, ऊपर गया तो ऊपर ही सही, नीचे गया तो नीचे ही सही। इसको क्या करेंगे, दो केसेस में बांटेंगे सर, केस नंबर वन, श्रेय कुछ कहना चाहते हैं तो बता दे बेटा, जल्दी जल्दी बता दे, और दूसरा केस सर, यहां से यहीं तक पहुंचा सर, सिर्फ 4 सेकंड, यहीं तक पहुंचा ना, 4/4 सेकंड में, बराबर है, दो केसेस में बांटेंगे, क्लियर है क्या। हाँ, बॉल को यहां से फेंका तो यहां तक पहुंचा, केस नंबर वन, और फिर यहां से फेंका तो वो यहां तक पहुंचा है सर, बराबर है कि नहीं है, हाँ या ना, सही बात है कि गलत बात है, पक्का पक्का बताओ, श्योर? हाँ, आगे चलू, सोचना मैं क्या कह रहा हूं। सर आपने तो कहा u इक्वल टू 30 है, बिल्कुल 30 है सर, g इक्वल टू -10 है, बिल्कुल -10 है, हाँ या ना, अरे गलत बात ऐसी बात है, पक्का सोचो सोचो, टाइम निकाल सकते हो क्या, आपको ये पता चल जाएगा ना टाइम कितना है, तो अभी हमने निकाला था थोड़ी देर पहले, टाइम 3 सेकेंड है, बराबर कि नहीं है ए से बी जाने के लिए। संचित क्या कह रहे हो बेटा, मैंने अपने आंसर डाला था ना स्टेटस पे डाला था, एक काम करो, एक काम करो, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, मैं आपको भेज दूंगा, स्टेटस पे भी डाल दूंगा फिर से, ठीक है। हाँ, तो टाइम 3 सेकेंड लगता है कि नहीं लगता, हाँ या ना, क्या ये कहना सही है क्या, क्या ये कहना सही है क्या, मतलब 3 सेकंड के बाद, मतलब 3 सेकंड के बाद आप ऊपर पहुंच जाओगे, बिल्कुल पहुंच जाएंगे, मतलब आपकी जर्नी का सिर्फ 1 सेकंड बचा है, हाँ 1 सेकंड बचा है, पर अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या आपकी जर्नी दो हिस्सों में ब्रेक हुई है कि नहीं हुई है, क्या आपकी जर्नी दो हिस्सों में ब्रेक हुई है कि नहीं हुई है, क्या ये कहना सही था क्या, जब आपने पहली जर्नी की शुरुआत करी तो आपने ग्राउंड से करी थी, इसलिए इसको लेवल जीरो बोल के चले थे, हाँ या ना, बट अब आपने अपनी जर्नी की शुरुआत यहां से करी है, जिसको कहते हैं जर्नी नंबर टू, हाँ या ना, अरे गलत की सही है, बराबर, तो जर्नी टू के लिए लेवल जीरो ये होगा और आप जा रहे हो नीचे, हाँ या ना, गलत है कि सही है। व्हेन यू ब्रेक इन टू डिपार्टमेंट्स, आप क्या बोलोगे सर, घर से सब्जी मंडी, फिर सब्जी मंडी से घर, हाँ या ना, श्योर हो, पक्का, कोई दिक्कत नहीं है, सोचो मेरे साथ सोचो सर, फॉर जर्नी टू, फॉर जर्नी टू टाइम कितना है, 1 सेकंड सर, 1 ही सेकंड बचा सर अपने पास, सोचो इनिशियल वेलोसिटी कितनी, बोलो, आप बोलो, मैं नहीं बोलूंगा, बोलो इनिशियल वेलोसिटी कितनी, जीरो, भूषण ने बिल्कुल सही कहा है ना सर, लेकिन हम तो यही कंसीडर करते हैं कि बॉल ऊपर जाके अपने पाथ को रिट्रेस करता है। हाँ सुन सुन श्रेय, वो बनाते रियल में ऐसा है, वो दिखाने के लिए बनाते हैं, वो तो आप ऐसे ही बनाओगे बेटा, ऐसे कभी घूम के जाता ही नहीं हो बॉल, वो रियल में दिखाने के लिए दिखाया गया है, बॉल रियल में ऐसा जाता है और वापस से अपनी पाथ पे वापस आ जाता है। आप अगर सोच रहे होगे कि मैंने टू डायमेंशन बनाया, तो बेटा टू डायमेंशन नहीं बनाया, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, दैट इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, कुछ समझाने के लिए समझा रहा हूँ बस,
ठीक है हाँ, हाइट नेगेटिव कैसे होगी भूषण? हाइट 110% नेगेटिव होगी क्योंकि आप नीचे जा रहे हो। हाइट नेगेटिव नहीं होती दोस्त, नेगेटिव साइन सिंबलाइज करती है कि तू नीचे गया था। हाइट तो पॉजिटिव ही है, वो नेगेटिव साइन का तात्पर्य यह है कि आप नीचे गए थे। क्लियर? सिर्फ एक सेकंड कैसे आया? क्योंकि टोटल चार सेकंड की जर्नी थी, तो तीन सेकंड तुमने ऊपर जाने में बिता दिए, एक सेकंड नीचे आने में। हाँ या ना? श्योर हो? क्या ये कहना सही होगा? क्या ये कहना सही होगा? है ना? नेक्स्ट क्लास मैथ्स की है, हाँ 10:30 बजे चालू होगी। जब तक सुनो ध्यान से, सर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, हाँ या ना? चलो बोलो फाइनल वेलोसिटी, बोलो फाइनल वेलोसिटी, बोलो सर u प्लस ए टी। सर फाइनल वेलोसिटी हमको पता नहीं सर, इनिशियल वेलोसिटी आपने बताया जीरो है। नहीं ए, फिर तन्वी ने लिखा 10। तन्वी ढंग से लिख, एक्सेलरेशन कितना है? -10 है, -10। 10 नहीं लिखोगे, नहीं लिखोगे, क्लियर है क्या? टाइम कितना है? एक सेकेंड। तो सर वेलोसिटी -10 आएंगी? हाँ -10 आएंगी। सर -10 क्या दर्शाता है? -10 दर्शाता है कि तुम्हारी बॉडी की स्पीड 10 है बट नीचे डायरेक्शन में, हाँ या ना? अरे गलत की सही है? पक्का श्योर हो? हाँ बोलो। एस क्या डिनोट करता है? बोलो एस क्या डिनोट करता है? डिस्प्लेसमेंट, हाँ या ना? बोलो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 × 1 सेकेंड प्लस ½ × -10 × 1 सेकेंड का स्क्वायर, मतलब -5 मीटर बोलना चाहते हो। सही लिखा है कि गलत लिखा है? सही लिखा है। क्लियर है क्या? बराबर है? मतलब आप ये कहना चाहते हो कि वो ओवरऑल छत से सिर्फ 5 मीटर की दूरी पे आया है नीचे में? हाँ। किसी ने बोला डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, कैसे निकालोगे? पहले ये निकाल के दो, ये डिस्टेंस कितना है, ये निकाल के दोगे कि प्लीज ये डिस्टेंस कितना है? कैसे निकालेंगे ये वाला डिस्टेंस? वही s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बराबर। कैसे देखो, निकालो साथ में निकालो। सर s इक्वल टू 30 × 3 सेकेंड प्लस हाफ -10 सेकेंड × 3 का स्क्वायर। सर हाँ या ना? अरे गलत बात है कि सही बात है? पक्का पक्का बताओ, क्लियर है? हाँ तो ये कितना आएगा? 45 मीटर। गलत है कि सही है सोचो, क्या ये कहना सही है? क्या ये कहना सही है? सुन, ये होता है एक एक मेथड, बराबर। या फिर तो चुक, क्लियर है क्या? दो अलग अलग इसमें ब्रेक कर लो, बात तो एक ही आने वाली है। सर दोनों ही केसेस में डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है? नहीं, डिस्प्लेसमेंट अलग अलग नहीं है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। टोटल 45 मीटर की बिल्डिंग थी, बराबर हाइट थी जब उसने अप्रोच किया, क्लियर है क्या? 45 मीटर। तो आप आइदर ये बोलो कि सर डिस्टेंस ट्रेवल्ड 45 + 5, डिस्टेंस ट्रेवल्ड 50। स्वरूप ने बिल्कुल सही कहा कि सर डिस्टेंस अगर मान लीजिए 45 मीटर ऊपर जा रहा है वो, तो डिस्टेंस ट्रेवल वॉज इक्वल टू 50 मीटर्स, और यू कैन से द डिस्प्लेसमेंट इज 40 मीटर्स, हाँ या ना? गलत है कि सही है? पक्का पक्का बताओ, श्योर हो? पक्का बताओ, मन में कोई भी प्रकार का डाउट है? क्लियर है क्या? एकदम सही, एकदम सही, बराबर। हाँ खुशी कॉल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक और क्वेश्चन दू, आप करके लाओगे घर से? श्योर हो? हाँ क्या लिखा है? डिस्प्लेसमेंट ही बॉडी की हाइट है? हाँ वो डिस्प्लेसमेंट बॉडी की हाइट है। एक मिनट रुको, मुझे चार्जिंग पे लगाने दो लैपटॉप को, है ना, एक सेकंड रुकता। क्या लिखा है? ये वाले मेथड से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, कोई भी। क्या रिकॉर्डिंग मिल सकती है आपको? यूट्यूब पे मैं आज की रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है? हाँ, YouTube पे कर दूंगा अपलोड। यार पहले वीडियो ऑन करो, पहले वीडियो ऑन करो। हाँ क्लियर है क्या? पक्का बताओ, क्लियर है? एक और क्वेश्चन दू, करोगे ट्राई? सुनो, हम देखो टाइम नहीं मिल पाया इसलिए हम कल के लेक्चर, आज बेस बनाना था ना, बेस बनाना जरूरी था, बराबर। क्लियर है?
मैं कल जो क्वेश्चन दूंगा है ना, वो दूंगा भयानक वाला। एक क्वेश्चन होमवर्क करके लाओगे, हिंट दू पूरा समझा के देता हूँ, हिंट देता हूँ, ठीक है। जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है रिपीट करना, एक घंटे का लेक्चर कभी रिपीट नहीं होता है, दैट इज नॉट पॉसिबल, पर आप मुझे कॉल कर सकते हो। हाँ श्रेय जी, क्या हुआ, डाउट बताओ, मेरा नंबर चाहिए, ये लो मेरा नंबर। यार इतने दिनों से नंबर सेव नहीं करते हो। जिन बच्चों को डाउट है वो बताओ, क्योंकि हो सकता है आपका डाउट भी बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा। एक बार आप साइन कन्वेंशन रिवाइज करवाओगे क्या, एक बार रिवाइज कराता हूं, ध्यान सुनो, साथ में बोलना। अगर ग्राउंड से कोई भी चीज को ऊपर फेंका तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, हाँ या ना? ओके खुशी, चलो ठीक है ना। आगे वेलोसिटी पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, अरे पर ग्रेविटी तो भूल जाओ, जिंदगी भर नेगेटिव, हाँ या ना? जिंदगी भर नेगेटिव, क्लियर है सर? मान लो सर हम छत पे जाके लोगों को होली के गुब्बारे फेंक के मार रहे हैं, सर मान लो, बराबर। ऐसे कितने बच्चे जिनने ऐसी कभी ना कभी जिंदगी में ऐसी हरकत करी है? अगर आपने ऐसा नहीं किया तो सॉरी, बट आप कुछ गलत हो, आप इंडिया में पैदा नहीं हुए हो, समझना फिर। किए ऐसे लोग है, ऐसा कौन करता है भाई? तुम कहां से आए हो? संस्कारी लोगों की तादाद बढ़ रही है आजकल, छोड़ो, कुछ बच्चे ज्यादा ही संस्कारी हैं, ठीक है। भगवान करे आप भी लोगों पे गुब्बारे फेंको, बहुत सारे फेंको, और सफेद कपड़े वालों पे ज्यादा फेंको, तभी तो मजा है जिंदगी में। हाँ आगे चलते हैं। तो इस केस में यूएस को नेगेटिव लेते हैं, हाँ या ना? इस केस में वेलोसिटी को नेगेटिव लेते हैं, हाँ या ना? क्लियर है? इस केस में एक्सेलरेशन तो नेगेटिव ही लेते हैं, क्लियर है क्या? पक्का है क्या? एक क्वेश्चन दू क्या, घर से करके लाओगे? एक छोटा सा क्वेश्चन, पक्का? दो क्वेश्चन देता हूं, सोच के आना, ठीक है? दो क्वेश्चन। हाँ सर, इफ वन थिंग इज गोइंग इन द इनिशियल स्पीड ऑफ 30 meters per second, इफ वी सेंड इट, ए दिलशान जी, दिलशान मेरा क्वेश्चन चुरा रहा है ना, दिलशान क्वेश्चन नहीं चुरा सकता, मैं क्वेश्चन दूंगा वाला, तुम करके लाओगे। मान लो तुम छत पे खड़े थे, लाल बिल्डिंग कौन बनाता है, चलो छोड़ो, रेड फोर्ट से कूद रहा होगा, ठीक है। मान लो तुमने बॉल को ऊपर फेंका, बराबर ऊपर फेंका है, बिल्डिंग की हाइट है 40 meters, बराबर। आसान क्वेश्चन करवाते हो, टफ देते हो, वही तो एक टीचर का काम है बेटा। हाँ सुनो, अरे सुनो, बॉडी की स्पीड कितनी है, 40 meters per second, बराबर। क्लियर है क्या? जो आपने वो गुब्बारा वाला एग्जांपल दिया उसमें आपने वेलोसिटी नेगेटिव बताई है, वो कौन सी वेलोसिटी रहेगी, इनिशियल या फाइनल? देखो अगर आप बॉडी को ऊपर फेंकोगे दोस्त तो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, अगर आप नीचे फेंकोगे दोस्त तो इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव, आपकी मर्जी आप किस तरफ फेंक रहे हो, बराबर। क्लियर है क्या नीरज? हाँ तो आपको क्या बताना है, आपको क्या बताना है, सर ये ऊपर फेंका, टुक 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 टुक, बराबर। आपको क्या क्या बताना है, फाइनल वेलोसिटी, बराबर, टोटल टाइम, बराबर, और सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नेगेटिव रहेंगी? नहीं नहीं स्नेहंकिता, मैं तो पिछले एक घंटे से मैं गिटार गा रहा हूँ ना, मैं गाना गा रहा था कुछ कुछ होता है का, अरे ग्रेविटी रहेंगी ना भाई, नेगेटिव रहेंगी हमेशा हमेशा, जिंदगी भर ऊपर जाओ नीचे जाओ आगे जाओ पीछे जाओ कभी भी, क्लियर है? हाँ टोटल टाइम क्लियर, और क्या निकालोगे, डिटेल बताना बॉडी की, डिटेल 5 seconds के बाद, ठीक है 5 seconds के बाद बॉडी कहाँ पर है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, क्लियर है क्या? चलेगा? सोच के आओ ना, ऐसे थोड़ी ना, मजा तो तभी आएगी जब करके लाओ क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन दू क्या? ऐसे उल्टे सीधे मत पूछो। हाँ आप ग्रेविटी को -10 लो, देखो यार आसान क्वेश्चन में मजा नहीं आती, बराबर, करके तो लाओ, मेरा वादा मैं करके दूंगा क्वेश्चन। यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, बंसल पाठशाला, हाँ एक और क्वेश्चन दू, हिंट भी दूंगा, हिंट दूंगा पक्का पक्का पक्का, हिंट दूंगा, 2 meters को चेक करने दो, हिमांशु सर आ गए क्या?
आ गए हिमांशु सर, एक क्वेश्चन लिख लो फिर हम ब्रेक लेंगे, ठीक है। आर्यन क्या कह रहा है, क्या रिप्लाई करूं दोस्त? सर आपने बोला था ना कि जहां से ऊपर जाते हैं उसी पाथ में बॉडी वापस आती है। हाँ दोस्तों, थोड़ा सा गैप बना दिखाने के लिए बनाए, लो आपको बनाना है तो बना लो, ये लो रियल बॉडी ऐसी है, ऐसा बाहर निकाला हाथ, ऐसा फेंका नीचे आ गया, ये लो आपको बनाने की इच्छा है वैसे बना लो, ठीक है अब बना लो, खुद दिखाने के लिए दिखाया जाता है, छोटी सी गैप, रियल में नहीं होती है वो। हाँ वो सिर्फ दिखाने के लिए। आप ग्रेविटी 9.8 क्यों नहीं लेते? सिर्फ टाइम बचाने के लिए, कैलकुलेशन बचाने के लिए, उसका और कोई रीजन नहीं है, कोई और तात्पर्य नहीं है उसका। एक और क्वेश्चन लिखो, ये क्लियर है क्या? अरे ये क्लियर है क्या, पक्का बताओ क्लियर है? अगला क्वेश्चन करोगे? क्या लिखा है, आंसर मत बताना, नहीं मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आप ही ढूंढ के लाओगे। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, यू इक्वल टू जीरो 40 मीटर बिल्डिंग की हाइट बराबर, ध्यान सुनो क्या बोल रहा हूं, फाइंड द टाइम टेकन बाय द पाथ, पाथ सुन लो कैसा है, मैं तो बाद में बोलूंगा सर हमको पाथ नहीं समझा, मैं क्लियर कर रहा हूं पाथ कैसा है, देखना एक मिनट रुकना है ना, पाथ कैसा है, तो चुप, स्ट्राइक किया तो चुप और फिर वापस आया, समझे क्या मैंने, वन बाउंस बोलते हैं उसको, वन बाउंस बराबर, यहां तक कितना टाइम ट्रेवल हुआ वो निकालना है, क्लियर है? आप यहां पे लिख सकते हो, आप यहां पे लिख सकते हो आफ्टर वन स्ट्राइक, स्ट्राइक की स्पेलिंग क्या होती मेरे को बताओ, मैं भूल गया, हाँ आफ्टर वन स्ट्राइक बॉडी will have 25% kinetic energy। मुझे पता है मनी मन में बच्चे सोच रहे होंगे भाई पढ़ाता थोड़ा सा है, क्वेश्चन अजीब अजीब से दे देता है, पर क्या हिंट दे देता हूँ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है दोस्तों, जो भी वेलोसिटी से वो टकराएगा उसका 25% ही बचेगा, बराबर है ना, खुद सोच सकते हो, सोचो तो सही, सोचो ना, देखते हैं ना बाद में देखते हैं, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, जितनी एनर्जी से टकराएगा उसका 25% बचेगा, क्लियर है क्या? अच्छा लो 25% वेलोसिटी लिख लो, ठीक है थोड़ा सा आसान बना देते, वेलोसिटी लिख लो, ठीक है क्लियर है? सुनो हम पक्का अगले बार करेंगे क्वेश्चन। मास ऑफ द बॉडी बताओ, जरूरत ही नहीं है, ग्रेविटी को फर्क नहीं पड़ता मास से, क्लियर? काइनेटिक एनर्जी रखो, हाँ दोनों कर लेना, एक वेलोसिटी रखना एक काइनेटिक एनर्जी रखना, एक वेलोसिटी रख लो और एक काइनेटिक एनर्जी रख लो, ठीक है। एक बार समझा दो क्वेश्चन, देखो यहां से फेंका, कुछ कुछ वेलोसिटी से टकराया होगा, कुछ कुछ बराबर टू चुक, फिर उसने अपनी लॉस कर दी, हीट एनर्जी में चला गया होगा, साउंड एनर्जी में चला गया होगा बराबर, थोड़ी सी मिट्टी को डिस्प्लेस करने में चले गया होगा बराबर, और फिर टुई, ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, नहीं तो बाद में बोलेंगे सर ऐसे कैसे बना दिया, ऐसे ही बनेगा बराबर, क्लियर? हाँ सुनो सुनो, हिमांशु सर आ गए हैं, अभी बज रहे 10:32, आपकी क्लास चालू होगी 10:36 पे, हम मिलते हैं बाद में, आपको जो भी डाउट लगे क्लास के बाद कॉल करना, ठीक है, बाय बाय तो बोलो ढंग से, हाँ अरे कोई दिक्कत नहीं, आप कॉल करके पूछना, मैं हेल्प करूंगा, ठीक है, हाँ बाय बाय, 10:36 में मैथ्स की क्लास चालू हो जाएगी।
गुड मॉर्निंग. ऑडियो एंड वीडियो सभी को क्लियर है क्या? ये दिख रहा है स्क्रीन अच्छे से? ये वीडियो आपको ठीक दिख रहा है? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आप सभी को? ओके 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 फाइन. कैसी चल रही है आप लोग की मैथ की पढ़ाई, बताएं थोड़ा. वैसे मैथ की क्लासेस थोड़ी ज्यादा समय के बाद लगी हैं, बट गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग. अच्छे आप आ गए हो तो ओके ओके. आपकी प्रिपरेशन के वक्त आपको पढ़ाई के लिए सफिशियंट टाइम मिलता था? बिल्कुल. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. क्यों नहीं मिलेगा मेरे को ये वजह बताइए आप. पूरे दिन के बीच में अगर मेरे को मालूम है कि सबसे इम्पोर्टेंट काम मेरे लिए पढ़ाई करना ही है, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी, तो आपको मालूम है कि सबसे इम्पोर्टेंट काम यही है, तो क्यों नहीं मिलेगा समय? और अगर मेरे को नहीं मिल रहा है समय, तो मेरे को अपने शेड्यूल बदलने की जरूरत है. यानी देखो, यही एक चीज है जो सबके पास कॉमन है. कौन सी चीज? 24 घंटे का दिन रात. तो उसमें जो जितना बेहतर, सबके लिए एक ही दिन एग्जाम होना है, आप सभी का एग्जाम एक ही दिन एक ही समय पे होना है, ठीक है. भूषण क्या कहना चाहते हैं? अच्छा आप आ गए हो तो निकालना पड़ेगा. ओके 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 ओके. और किसी को कुछ पूछना हो? समीक्षा का क्वेश्चन था ये. आपके पढ़ाई के वक्त आपको समय मिलता था सर शेड्यूल में हेल्प करना? बिल्कुल, बनाइए आप शेड्यूल, डिस्कस कर लीजिए हमसे. आईआईटी के बारे में पहले भी आपसे बातें की हैं हमने, ठीक है. अब देखो, आप लोग कहीं डाउट आते रहते हैं, कोई फोन कर दिया, कोई कुछ कर दिया. आपने स्टेट लिया था या सीबीएसई? मैं सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा था भाई, सीबीएसई बोर्ड से. मैक्सिमम कितने आवर स्टडी करना होगा, स्टडी कैसे की जाए उसके बारे में बताइए. देखो, ये सब बातें हमने पिछली बार भी की थी. सबसे इम्पोर्टेंट टास्क क्या होता है? क्लास अटेंड करना, है ना. सबसे इम्पोर्टेंट काम यही होता है, क्योंकि अगर आप ये नहीं कर रहे हैं ना, तो फिर आप अपने से पढ़ के ज्यादा आप बेनिफिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किताब में हर कुछ दिया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको जरूरत तो है ही, है ना. किसी ना किसी गाइडेंस की जरूरत है, वरना ऐसे होता अगर तो सब लोग, बुक तो मार्केट में है ना अवेलेबल, लेकिन उससे सारा काम नहीं बनता है. तो सबसे इम्पोर्टेंट है क्लास अटेंड करना. उससे अगली चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है एक रेगुलरिटी मेंटेन करके पढ़ना, है ना. हर दिन पढ़ाई करना, ये नहीं कि आज घर में किसी का बर्थडे है तो दो दिन पहले से सेलिब्रेशन चल रहा है. नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. ये इवेंट्स जो है आपकी लाइफ में आपकी लाइफ में आते रहेंगे, ठीक है. कोई पूछ रहा, आपने भी कोचिंग ज्वाइन किया था क्या? बिल्कुल, कोचिंग ज्वाइन किया था. कोचिंग ज्वाइन करके ही पढ़ा था, तो ठीक है. इसमें हम लोग आगे भी बात करते रहेंगे. जो मेन चीज है वो है क्लास अटेंड कीजिए. जो भी क्लास नोट्स में क्वेश्चन कराए जाते हैं उनको आप कीजिए, और जो होमवर्क दिया जाता है वो कीजिए. एक चीज मैं देखता हूँ कि कुछ लोग जो होमवर्क दिया जाता है बड़ा ईमानदारी से करते हैं और भेजते भी हैं, और कुछ लोग जो है बिल्कुल बिल्कुल भी इस चीज पर ध्यान नहीं देते. ठीक है, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा. ऐसे नहीं चलेगा पढ़ाई, ठीक है. ईमानदारी से, और किसको जवाब देना है, मतलब किसको जवाब देना है कि हमने बहुत अच्छा किया है या नहीं किया है. समीक्षा का क्वेश्चन है कि हम क्या बिना कोचिंग के नीट आईआईटी क्रैक कर सकते हैं? हाँ, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा.
इसलिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जब आप जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको शुभम सर जो सीधे एक्सप्लेन कर रहे थे कि यहाँ से बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे ऊपर जाएगा फिर यहाँ तक नीचे आएगा, या डिस्प्लेसमेंट कहलाता है या डिस्टेंस कहलाता है, किताब में चीजें इतनी क्लैरिटी से नहीं लिखी होती हैं। लिखा सब है ठीक है, और मेरे को क्या चाहिए, चूंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है तो मैं चाहता हूँ कि कम समय में मेरे को सारी चीजें मालूम चल जाए, और वो सिर्फ एक गाइडेंस के थ्रू ही मालूम चल सकता है। तो इसलिए अगर आप ऐसा सोचते हैं, देखो एक समय था जब कोचिंग नहीं हुआ करते थे, आज से लगभग 20 साल पहले की बात कर रहे हैं, उस समय भी IIT का पेपर होता था, उस समय भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होते थे, लेकिन उस समय किसी के पास कोचिंग फैसिलिटी नहीं थी, किसी के पास नहीं, तो सब एक बराबर है। फिर जिसने अपने से ज्यादा किताबें पढ़ ली वो ज्यादा आगे निकल रहा है, लेकिन अभी वो बात नहीं है। अभी आप अगर किताबें पढ़ने बैठोगे और किसी ने कोचिंग में जाकर और एक एक घंटे में 4 घंटे 5 घंटे की चीजें सीख कर वो आया है, तो वो आपसे हर दिन आगे निकल रहा है ठीक है। तो जब जैसा पैटर्न चले वैसा हमें करना चाहिए। अब मान लो एक समय पे पूरी दुनिया, पूरी देश, हमारा पूरा देश चिट्ठी लिखने पे डिपेंड था। आपको कोई खबर आपके मामा के यहाँ भेजना हो, या फिर बुआ के यहाँ भेजना हो, या फिर किसी दोस्त के यहाँ भेजना हो, तो चिट्ठियां लिखी जाती थी, या फिर कोई जा रहा हो तो उससे कहा जाता था जाना तो थोड़ा ये बात कहते आना ठीक है। क्या आज भी वैसा ही होता है? क्या उसी पैटर्न को हम पकड़े रहे? नहीं, हमारा कल्चर तो चिट्ठी लिखना ही है, तो आज काम चलेगा? नहीं चलेगा। आज आपको मोबाइल फोन का जमाना है, तो वही समय के साथ चीजें बदल जाती है। अब कोई बोले कि नहीं, हमारे यहाँ तो चिट्ठी लिखने का ही रिवाज है, तो हम सारे खबर तो चिट्ठियों से ही पहुंचाएंगे, ऐसा नहीं होता है। वही बात है, जब कोचिंग मार्केट में नहीं हुआ करते थे, जब ये सब चीजें नहीं थी, तो सब एक बराबर थे ठीक है। आपकी भी चिट्ठी 7 दिन में पहुंच रही है, मेरी भी 8 दिन में पहुंच रही है। अभी किसी का 15 सेकंड में बात हो जा रहा है और मेरा 13 दिन में चिट्ठी पहुंच रहा है, तो दोनों में तो बहुत का अंतर है। अभी इसका रिप्लाई भी आएगा 13 दिन बाद, तो 26 दिन लग गए, और इसका काम तो 15 सेकंड में हो गया। दोनों का कोई तुलना है क्या? नहीं है। तो जो भी चेंजेस हमारे अगल बगल हो रहे हैं उनके हिसाब से अडेप्ट करना हमेशा बेहतर होता है। समझ रही बात? और इससे रिलेटेड किसी को कुछ बात करनी है? वैदेही का क्वेश्चन है, आप अपने नंबर दे दिए। नंबर बिल्कुल दे देंगे, अभी भी आप लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। आप इस पे मैसेज करके अपनी कोई भी प्रॉब्लम बता सकते हैं ठीक है। तो ये बात सबको समझ आई कि कोचिंग, आजकल कोचिंग ज्वाइन करना जरूरी है। पहले नहीं था, क्योंकि पहले सबके सब एक बराबर पे थे ना। तुम 10 किताबें खरीद लो, हम भी मार्केट से 8 किताबें खरीद लेते हैं, तुम भी बैठ के पढ़ो, हम भी बैठ के पढ़ते हैं, वही वाली बात है। तुमने भी चिट्ठी लिख दिया, हमने भी चिट्ठी लिख दिया, देखते हैं किसका पहुंचता है, कब कब जवाब आता है। लेकिन अभी अभी आप जाओगे, लेटर लिखोगे, लेटर बॉक्स में डालोगे, वहां से वो पोस्ट होएगा, 10 दिन में पहुंचेगा, तब तक किसी ने 20 सेकंड में फोन किया, बात कर लिया सारा। तो ये क्या हुआ? समय के साथ चेंजेस है ना, वही बात है। और क्या क्वेश्चन है आपका? किसी का क्वेश्चन ये है कि क्या 11th 12th में CBSE? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं होता, कोई डिफरेंस नहीं होता। आप 11th 12th में CBSE से पढ़िए या फिर स्टेट बोर्ड से पढ़िए, दोनों दोनों जगह के बच्चे बेहतर करते हैं JEE में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप CBSE में हैं तो आपके चांसेस ज्यादा हो गए हैं, देखो ये बात माइंड से निकाल देना। या फिर कोई स्टेट बोर्ड से है तो उसको मन में ये फील करने के, अरे ये तो CBSE में है तो CBSE में है तो ये तो मेरे से आगे निकल गया है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी वही है ठीक है। नहीं पढ़ेगा तो वहां से खराब भी नंबर लाएगा, तो इसलिए किसी को अपने मन में ऐसी लाने की जरूरत नहीं है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा क्या प्रिफरेबल है। देखिए ज्यादा क्या प्रिफरेबल वाली भी बात नहीं है, है ना। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि मैथ की कौन सी किताब हम करें अभी के लिए, उसमें एक बात है कि हाँ भाई दोनों बोर्ड एग्जाम है, दोनों में से किसी कोई मेरे को IIT तक नहीं ले जाता है, दोनों मेरे को सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने का एक तरीका देता है बस, तो दोनों में से कोई खास नहीं है, दोनों एक ही जैसा है मेरे लिए ठीक है। क्या ऐसा नहीं है कि आप CBSE ले लोगे तो IIT वाले इम्प्रेस हो जाएंगे, अरे भाई तो CBSE का बच्चा है, इसको तो ले लेना है, ऐसा नहीं होता है ठीक है क्या। और अगर आप स्टेट बोर्ड को, तो ऐसा नहीं है तो स्टेट बोर्ड वाला है फिर इसको तो हटा दो, विच बोर्ड इज बेटर फॉर नीट प्लीज टेल। फिर वही बात, कोई बोर्ड एग्जाम आपको IIT या नीट तक नहीं पहुंचा जाता है, ये बात क्लियर करो। सब लोग पहले क्लियर हो लो कि बोर्ड एग्जाम, हाँ कॉलेज की पढ़ाई सफिशियंट है बिल्कुल, पहले आप कॉलेज तो जाए। सर प्लीज पढ़ाई कर लेते नहीं तो ये लॉन्ग टाइम पास कर रहे हैं। अच्छा ये लॉन्ग टाइम पास हो रहा है, ओके ओके ओके। नहीं लॉन्ग टाइम पास नहीं हो रहा है, टाइम पास वाला हम कोई भी काम यहाँ नहीं करेंगे ठीक है।
कुछ लोग मेरा नाम पूछ रहे हैं, हो सकता है कि वो लोग आज पहली दिन ज्वाइन कर रहे हैं इसलिए नाम भी जानना चाहते हैं। हिमांशु कुमार मेरा नाम हुआ, ये मेरा नंबर हुआ, आप लिख लीजिए। बाकी क्लास के एंड में भी आपको मैं अपना नाम और नंबर बता दूंगा, ठीक है क्या? चलिए थोड़ा सा अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे चीजों को समझें। जो क्वेश्चन, चलो मैं कहाँ से हूँ वो बात हटाओ, नहीं मैं नागपुर से नहीं हूँ, ठीक है? अब आप यहाँ बात समझें। एक क्वेश्चन आपको दिया था जहां पे लिखा हुआ था 8 times under root of 45। कई लोगों का ये सवाल सही है लेकिन सबका नहीं सही है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। 8 times root 20 plus under root of 245 एंड -3 times under root of 125। ये सवाल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब देखो ये जो 45 है इसको अगर हम फैक्टर्स करें तो हम लिखेंगे 3 से 3, 1 and 15, 3 जा, यहाँ लिख लेंगे हम 5 and 3 times, तो ये कितना बन जाता है 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 into 3 into 5 लिख सकते हैं क्या? उसी तरीके से ये जो 20 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 into 5, ठीक है क्या? 245 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी आप लिख लेना, ठीक है? 245 के प्राइम फैक्टर जब आप करेंगे तो ये बन जाएगा 5 into 7 into 7। बिल्कुल सही बात है, ये इसका आंसर 0 है, आप में से कई लोग लेकर आए भी हैं। तो यहाँ हम आ जाते हैं 125 को जब आप लिखेंगे तो ये बन जाएगा 5 into 5 into 5। अब देखिए जब ये चीजें ऐसे लिखी जाएंगी ये बन जाएगा 8 times under root of 5 into 3 into 3 माइनस ये बनेगा 8 times under root of 2 into 2 into 5, ये बन जाएगा +under root of 5 into 7 into 7 एंड -3 times under root of 5 into 5 and into 5, ठीक है क्या? तो हम जानते हैं कि जब दो दो का एक पेयर बन जाता है तो रूट से एक बार बाहर लिया जाता है उसको। यहाँ भी दो दो का एक पेयर बन गया तो एक बार बाहर लिया जाएगा, यहाँ भी ऐसा हो गया तो एक बार बाहर। अब इस दोनों जगह से 2, 3 के बदले हम एक बार 3 बाहर लेंगे, ये बन जाएगा 24 times under root of 5 माइनस ये बन जाएगा 16 times under root of 5 एंड प्लस ये बन जाएगा 7 times under root of 5 एंड प्लस सॉरी एंड -15 times under root of 5। अब इसमें मेरे को करना कुछ नहीं है, रूट 5 पूरे में से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से अगर हम रूट 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा 24 एंड -16 एंड +7 एंड -15। इसको आप सिंप्लीफाई करके देखो ये 0 आ जाता है। ये मेरे को बताना नहीं था लेकिन इसलिए बताना पड़ा क्योंकि कुछ लोगों का ये सवाल मेरे को गलत होता हुआ दिखा है, ठीक है क्या? तो स्वर्ण आपने एक बार लिख दिया, हमने देख लिया, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। किसी का क्वेश्चन है कि नीट वालों के लिए इम्पोर्टेंट है क्या ये? देखिए ये बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक है? तो ये आपको फिजिक्स के सवाल करने में भी आपको मदद करेगा, तो ये इसको हम नॉट इम्पोर्टेंट तो नहीं बोल सकते, ये नीट और जेई दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बराबर इम्पोर्टेंट है, ठीक है? सबका अगर नोट हो गया हो तो हम लोग अगले पेज पे भी आ सकते हैं। बताया दे आगे, ठीक है? ठीक है, ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट थिंग। ओके ओके फाइन, अच्छी बात है। तो हम लोग यहाँ पे चलिए अगले हिस्से पे आते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। उससे पहले मेरे को ये जानना है कि एक्सपोनेंट क्या होता है ना? स्वरूप आप मेरे को बाद में मैसेज कीजिए, आपको हम इस बारे में बात कर लेंगे कौन सी किताब किस चीज के लिए अच्छी है। अभी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये ज्यादा जरूरी है, बातों में ज्यादा समय निकल जाएगा, बातें भी जरूरी है लेकिन वो भी एक समय के बाद। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, सबसे पहले बात तो ये है कि जब हम ए पावर एम लिखते हैं तो इसमें बेस कौन सा कहलाता है, एक्सपोनेंट कौन सा कहलाता है, इस वाले को हम बेस कहते हैं। बेस का मतलब क्या होता है, आधार जिसके ऊपर ये चीजें टिकी हुई हैं, ठीक? तो इसको हम बेस कहते हैं। इसी तरीके से ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम एक्सपोनेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है क्या? तो इनको इसको हम लोग एक्सपोनेंट के नाम से जानते हैं। तो हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ने वाले हैं, मतलब जो सम बेस की पावर में जो चीजें होंगी उनका क्या रूल रेगुलेशन रहेगा। सबसे पहला लॉ ये है कि अगर कहीं आपको ए पावर एम को मल्टीप्लाई करना पड़ गया ए पावर एन से, तो ये जो पावर है ये जो एक्सपोनेंट है ये आपस में जुड़ जाएंगे जब यहाँ पे पहले इनिशियली मल्टीप्लीकेशन का सिंबल
रहा हो, ठीक है। कुछ लोग इंडाइसेस भी पूछ रहे हैं, नहीं इंडाइसेस तो ऐसे नहीं लिखना चाहिए, बेस और एक्सपोनेंट ही वाइडली यूज टर्म है तो हमें उसी पे चिपके रहना चाहिए। अगर कहीं यूं लिख के दिया जाता है मेरे को ए पावर एम और पूरे का पावर एन, तो हम लोग बोलेंगे ये कुछ भी नहीं है भाई, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा ए पावर एम इंटू एन। अब देखिए इसको एक साथ लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी को कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई हम जानते हैं यहाँ जोड़ देते हैं, नहीं यहाँ आप जोड़ते नहीं है, यहाँ आप तब जोड़ते हैं जहां जब यहाँ पे ए पावर एम सेपरेटली लिखा हो, ए पावर एन सेपरेटली लिखा हो, तो आप उसको एक साथ जोड़ लेते हैं। इसमें भी ये एक जो डाउट है मेरे मन में कि क्या हम इसको यूं लिख सकते हैं क्या, अगर कहीं लिख के दिया था ए पावर एम और बी पावर एन, तो इसको क्या हम ए पावर एम प्लस एन लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, जब बेस सेम हो तभी आप केवल लिख सकते हैं, हमने ये नहीं बताया है लिखने को, ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं लिखना चाहिए। अगला आ जाते हैं, जब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में थी चीजें, कहाँ पे, यहाँ जब मल्टीप्लीकेशन में थी चीजें तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब डिविजन में होंगी तो डिवाइड करेंगे आप, जैसे ए पावर एम डिवाइड बाई ए पावर एन अगर होगा तो हम इसको यूं लिख लेंगे ए पावर एम, और जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये ए पावर माइनस एन बन जाएगा। अब ये मेरे लिए पहले वाले फॉर्मूले जैसा है, देखो सब लोग अभी लिखो मत, जब बताया जा रहा हो सुन लो, तो ये पहले वाले फॉर्मूले जैसा है, यहाँ पे m माइनस एन आएगा तो हम इसको यूं लिख लेंगे a पावर m एंड माइनस ऑफ n, ये ऐसे लिख लिया जाएगा, ठीक है क्या? बहुत अच्छा, कुछ लोग पहले से इस चीज की जानकारी भी रखे हैं इसलिए हमें अच्छा लग रहा है। तो हम जिन लोगों को नहीं भी मालूम है कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर मान लीजिए पावर सेम है तब से तो बात हो रहा है कि बेस सेम होगा तब क्या करेंगे, जैसे पहले में देखो बेस सेम है, यहाँ भी देखो बेस सेम है, अब हम बात कर रहे हैं अगर पावर सेम हो तो क्या करेंगे, ए पावर एम बी पावर एन ऐसा हो तो हम लोग बोलेंगे ठीक है भाई बेस को मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा ए बी टू दी पावर एम, यानी कि एम प्लस एम लिख दिया, ठीक है, वैसा नहीं करना चाहिए, जैसा बताया जा रहा है उसी आइडिया को आप फॉलो करेंगे। इसी तरीके से अगर मेरे को यूं लिख दिया जाता है ए पावर एन डिवाइड बाई बी पावर एन, तो इसको हम पहले एक साथ यूं लिख सकते हैं कि देखो भाई पावर तो सेम था तो इसको ए बाई बी क्यों नहीं लिख लेते, और जब भी हम यूं लिखते हैं हमें मेंशन करना चाहिए कि बी कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है, जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो उस केस में हमें लिखना चाहिए कि सिस्टम जो चीजें हैं वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, जैसे टेन 90 डिग्री आप बताते हैं कि 1/0 होने लगेगा और वो नॉट डिफाइंड होने लगेगा, ठीक है। और 1/0 को इन्फिनिटी क्यों कहते हैं इसके बारे में भी हम लोगों ने एक बार बात की थी। चलिए अभी ए पावर अगर जीरो होता है तो इसको 1 बोलते हैं हम लोग, ये आपको पहले से भी जानकारी होगा, ठीक है क्या। थोड़ा सा इसमें एक दो और बचा है उसको भी लिख लिया जाए, अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर में ए पावर एन हो तो जब ये ऊपर में जाएगा तो ये पावर माइनस एन बनेगा, इसमें भी कोई दिक्कत की चीज नहीं है, ठीक है। यहाँ भी मेरे को लिखना चाहिए कि देखो भाई ए का जीरो होना मना है, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो फिर डिनोमिनेटर में पड़ी हुई चीजें जीरो होने लगेंगी, तो ये गलत है, ठीक है क्या। अगले पे हम आ जाते हैं, अगला और आखिरी बोल सकते हैं इसको कि भाई जब ऐसे लिखा है तो अगर मान लीजिए ए पावर माइनस एन लिखा हो तो पहले आप इसको यूं लिखिए 1/a पावर n, या फिर आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 1/a और पूरे का पावर n। तो ये सातवां और आठवां नंबर तो कुछ अलग है नहीं, दोनों बिल्कुल एक ही जैसा है मेरे लिए, लेकिन ये जो फॉर्मूलेज हैं इनकी हेल्प से हम छोटे बड़े क्वेश्चन जरूर करेंगे। और पहले आप इतना लिख लीजिए और सावधानी से लिखिए, जल्दबाजी ना कीजिए, जल्दबाजी में अगर गलत लिख लेंगे तो फिर नुकसान है। 2 मिनट का पूरा समय लीजिए, इसको लिखिए, किसी को इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप उसमें लिख के हमसे पूछ भी सकते हैं। नोट करते हैं, बिल्कुल भूषण, आदित्य, स्नेहंकिता, बहुत अच्छा, सबने बताया भी है, अच्छी बात है। आयुष ने बताया है, सम्यक ने बताया है, समीक्षा का कहना है इंडाइसेस कह सकते हैं क्या, इंडाइसेस भी कह सकते हैं बट ठीक है, बात यह है कि ये वाइडली यूज टर्म है एक्सपोनेंट और बेस, तो मेरे को एक्सपोनेंट और बेस पे ही चिपके रहना चाहिए, है ना। तो अगर आपने लिख लिया हो तो हम लोग अगले पेज पे भी बात कर सकते हैं, बताया जाए आगे, लिख लिया होगा, क्या मुश्किल है इसमें। ओके ओके ओके, वेयर आर द सेशंस अपलोडेड। अब देखो यार ये छोटी छोटी चीजें हैं, अब इसमें सेशंस अपलोडेड की क्या बात है, यहीं पे देख के लिखिए ना, क्या दिक्कत है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ आरुषि, बिल्कुल, ये तो आप पूछ रही हैं कि a पावर माइनस एन, देखिए जब पावर माइनस एन है तो पहले चीजें जाएंगी डिनोमिनेटर में, ठीक है क्या,
अब डिनोमिनेटर में चली गई तो वन बाई ए को अलग कर लीजिए और पूरे का पावर एन लिख लीजिए, एज सिंपल एज डेट। ये लेसन कब खत्म होगा? आप लोग थोड़ा जल्दी समझेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है? और किसी का क्या क्वेश्चन है इसमें समीक्षा का कि सर एम डिवाइडेड बाई ए एन होगा ना? नहीं, इसमें ऐसा नहीं होगा, वन में एन की पावर नहीं है ना। देखिए क्या बात है कि वन का कोई भी पावर वन ही होता है, वन का पावर अगर टू कर दें, वन का पावर थ्री कर दें तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा उससे। रूट वन कर दें तो भी क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, वो वही वैल्यू अटेंड करता रहेगा। वन का कोई भी पावर वन ही होता है तो फिर वो कभी दिक्कत ही नहीं करता मेरे को। आगे बढ़ा जाए तो ये अगर आपने लिख लिया है तो इससे रिलेटेड हम थोड़े बहुत क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले आसान सवाल पे आ जाते हैं, ठीक है क्या? तो ये वन की कोई भी पावर वन होती है, वो घबराने का कोई बात ही नहीं है, तो उधर आपको दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, ठीक है? आप 2 मिनट का समय रहेगा आपके लिए, आप ये क्वेश्चन ट्राई करें। 1/64 टू दी पावर 0 एंड प्लस 64 टू दी पावर -1/2 एंड माइनस ऑफ -32 टू दी पावर 4/5। आप सभी से ये सवाल होने लायक है, इसीलिए दिया है, तो आप इसको टेक योर टाइम। हाँ, कोई पूछ रहा है व्हेन बोथ एक्सपोनेंट एंड बेस आर सेम, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। बोथ एक्सपोनेंट और बेस भी अगर सेम हो गया तो ठीक है, अच्छी बात है, रहे सेम, मेरे को क्या करना है, जो हमने लॉज पढ़े हैं वही लगते रहेंगे। अगर मान लीजिए वो 2 पावर 2 लिख देगा तो क्या हो गया? कोई बात नहीं, 2 पावर 2 का मतलब होता है 2 को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 कर दो। ऐसा थोड़ी है 2 पावर 3 लिखा जाएगा तभी सही है, 2 पावर 2 लिख देना गलत है, बिल्कुल नहीं, दोनों सही है। -7 आ रहा है क्या? नहीं, -7 गलत है, ठीक है? तो इसीलिए थोड़ा और अच्छे से समय लिया जाए, लेकिन सवाल का आंसर सही आना चाहिए, क्योंकि देखो आंसर आएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, मेन चीज ये है, ठीक है क्या? तो चलिए देख लेते हैं, पहला सवाल है तो इसमें ज्यादा आपसे अभी उम्मीद ये नहीं है कि प्लीज वेट, ओके, 1 मिनट का समय दे सकते हैं आपको, ट्राई करिए। डिनोमिनेटर बेस होगा, ओके ओके ओके, समीक्षा समझेंगे आपकी भी बात बहुत अच्छे से। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ वो वाला पॉइंट तो आप मेरे को बाद में व्हाट्सएप पे भी लिखिए, वहां पे भी हम देखेंगे, ठीक है क्या? आप ही बता दीजिए, चलिए ठीक है। तो ये पहले जो टर्म लिखा हुआ है ये एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, ठीक है क्या भाई? तो इसको 1 लिख लो, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, इस 64 को हम 8 स्क्वायर लिखते हैं क्या? तो चलो ये 8 स्क्वायर और पहले से एक पावर -1/2 था क्या यहाँ, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बढ़िया बात है। अच्छा, -32 को -2 टू दी पावर हम 5 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये बन जाएगा 4/5, तो ये इससे कैंसिल, बची हुई चीजों को लिख लेते हैं, ये बन गया 1 + 8 टू दी पावर -1 एंड माइनस ये बन गया -2 टू दी पावर 4। इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, ये बन जाता है 1 + 1/8 एंड यहाँ से कितना बन गया -2 टू दी पावर 4। इसका मतलब क्या होता है? -2 -2 -2 -2 चार बार मल्टीप्लाई करो भाई, ये कितना बन जाता है 9/8 एंड माइनस ये बन जाता है 16। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये एलसीएम लेने के बाद आप क्या लिखेंगे इसको डिनोमिनेटर में, यहाँ कहीं 8 है ना, ये बन जाएगा 9 माइनस ये फर्दर सिंप्लीफाई होकर कितना आ जाता है माइनस कर लेना इसको, एलसीएम वगैरह लेना है तो इसको आप कर लीजिएगा, यहाँ से ये कितना आ जाता है, ये बन जाएगा 9 - 128। ऑन सिंप्लीफाइंग यू गेट दिस वैल्यू टू बी -119/8। इतना तो आपको लाना ही चाहिए था कम से कम। इसके अलावा हम लोग इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी बदल सकते हैं, तन्मय, बिल्कुल सही, और भी कई लोगों का आंसर सही आया है, एक बार चेक कर लेते हैं। तन्मय का आंसर सही है, श्रेय का गलत हो गया कहीं ना कहीं, स्वर्ण का गलत हो गया, तन्मय आपका सही है आंसर, ठीक है? तो आदित्य चेक कीजिए, थोड़ा सा गलत हो गया, बाकी ये करना था इस सवाल में। आई थिंक मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बट फिर भी एक बार दोबारा एक्सप्लेन जरूर करेंगे। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो सबसे पहले तो 1 लिखा है, 64 को हम 8 स्क्वायर लिखते हैं तो ये ऐसे लिख लिया गया, ये 2 से 2 कैंसिल, ये -1 हो गया। -32 को हम -2 टू दी पावर 5 लिख सकते हैं, ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया यहाँ आया हुआ। उसके बाद बची हुई चीजों को हमने यूं लिख लिया, सिंप्लीफाई कर लिया एलसीएम वगैरह लेकर, और जैसे
फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन किया जाता है, उस तरीके से हम लोग इसको करके आगे बढ़ गए। तो आई थिंक मुश्किल नहीं है, ठीक है क्या? एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक? क्या क्वेश्चन है आप लोगों का? आदित्य का क्वेश्चन है, सर इट इज माइनस वन बाई टू सो वी टेक 64 एज 1/64, है ना? माइनस वन बाई टू है, कहाँ माइनस वन बाई टू है? हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वन बाई से, इनका ये कहना है, सब लोग सुन लो, इनका ये कहना है कि सर इस वाले टर्म को ध्यान से देखें, पहले इस माइनस साइन का अगर इस्तेमाल करें तो ये लिखा हुआ है 1/64 टू द पावर 1/2, तो ये डिनोमिनेटर में 1/8 लिखा हुआ है क्या? बिल्कुल, हमने भी तो वही किया है, मेरा भी तो डिनोमिनेटर आखिरी में 1/8 ही आया है। देखो यहाँ, यू डिड सेम, एनीथिंग टू द पावर 0/1 क्यों होता है? बिल्कुल बताइए, और क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? देख लेते हैं, इनकी भी बात सही है कि एनीथिंग टू द पावर 0/1 क्यों होता है। यहाँ पे देखो भाई, सब लोग क्या बताया जा रहा है यहाँ, कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख लिया 2/3 इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे 2/3/2/3 लिख दिया, तो ये तो आपके तरीके के हिसाब से 3-3 होगा, और ये तो हम जानते हैं ये कैंसिल होकर 1 आया है, तो ये 1 आया है, तो ये कितना बन गया भाई, 2/3-3 = 1। और ये एग्जाम्पल आप तो किसी और नंबर के साथ भी ले सकते थे, हम जरूरी है क्या 2 और 3 के साथ लेंगे? अगर हम यू लेते 7^4/7^4, हम जानते हैं ये कैंसिल होकर 1 आएगा, लेकिन इस तरीके से भी देखें तो 4 - 4 ऐसा आएगा, तो ये बन जाएगा 7^0, है ना? आसान बात है, किया जा सकता है, ठीक है। आयुष 002, जो भी आपको पूछना है बताइए थोड़ा, क्योंकि मेरे को मालूम भी तो चले कि कौन सा पार्ट आपको नहीं समझ आया, वो क्वेश्चन नहीं समझा, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, नहीं समझा तो फिर आप थोड़ा सा ये भी बताओ मेरे को, कौन सा हिस्सा नहीं समझे, ताकि हम लोग जल्दी से आगे बढ़े, लेट नहीं करना है। नहीं बताओगे, अच्छा कोई बात नहीं, नहीं बताओगे तो कोई बात नहीं, आप उसको थर्ड स्टेप, चलो थर्ड स्टेप देख लेते हैं भाई। तीसरा स्टेप क्या बोल रहा है, तीसरा स्टेप ये है कि ये रहा, तो हम लोगों ने क्या किया कि 64 को 8 स्क्वायर लिखते हैं क्या, लिख लिया भाई, देखो यहाँ पड़ा हुआ 1/2, यहाँ वाले 2 को कैंसिल कर दिया, या -32 को -2^5 लिखते हैं क्या, तो ये 5 से कैंसिल हो गया और ये ऐसा बन गया, पहले हमने इस पावर -1 की वजह से इसको 1/8 लिख लिया, या -2^4 को हम लोगों ने इसको 16 लिख लिया, बस सिंप्लीफाई हो गया, कुछ भी शेष ही नहीं, किया जा सकता है आराम से, ठीक है क्या? और भी किसी का कुछ डाउट है क्या? What will be 3^4 multiplied by 3^4? अच्छा, ये आपका सवाल है कि 3^4 को, ये तो हमको पूछना चाहिए भाई आपसे, है ना, कि 3^4 को अगर 3^4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, ये कितना आएगा? तो देखो इसमें क्या करना है भाई, बेस सेम है, पावर भी सेम है, तो इसमें घबरा क्यों रहे हो? जब बेस सेम होता है तो पावर को आपस में ऐड कर देते हैं, तो ये कितना बन गया, 3^8। उसने कहाँ बोला था कि बेस सेम हो जाएगा तो एकदम दिक्कत की चीज आ जाएगी, कहीं नहीं बोला था, तो नहीं बोला था तो ठीक है। किसी का ये क्वेश्चन है कि 128 कैसे आ गया, देखिए थोड़ा सा काम हमने आपके लिए भी छोड़ा है, ये 128 कैसे आ गया, जब इसको एलसीएम लेगो ना, जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ये फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन है, एलसीएम ले लोगे तो फिर आ जाएगा, 16 में जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आ जाएगा, ठीक है, तो दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। चलिए और भी किसी को कुछ इसमें बात करना हो, चलिए। तो फ्रैक्शन में जाने के बाद देखो, फ्रैक्शन का जोड़ घटाओ सीखना है क्या, वो तो आपको आता है ना पहले से, तो उसमें आप कीजिए, नहीं होगा तो हम लोग फिर उसमें भी बात करेंगे, ऐसी कुछ चीज नहीं है कि अगर बताया, एक बार हमने बता दिया तो दोबारा क्वेश्चन नहीं डिस्कस होगा। एक के ये क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है कि वैल्यू ऑफ एक्स बताइए इफ 2^x + 4, मेरे को आंसर चाहिए इसका सब लोगों से, मल्टीप्लाइड बाई 3^x + 1 इज इक्वल टू 288, ठीक है क्या? और मेरे को इसमें x की वैल्यू चाहिए, एक मिनट का समय देंगे आपको इस पे, ताकि आप इस पे सोच सकें, ठीक है, ट्राई करो भाई।
पावर फ्रैक्शन में ऊपर जाने के बाद नेगेटिव क्यों होता है? अच्छा, बिल्कुल वही लॉजिक है जो 2 पावर 3/2 पावर 3 हम लोग कर रहे थे। आप उसी तरीके से उसको भी करके देख सकते हैं कि जैसे यह समझ लो कि अगर हमने लिख दिया कि 1/2 पावर 3 तो ये कितना बन गया भाई, 1/8 बन गया, ठीक है क्या? तो ये 2 पावर -3 जब आप लिखेंगे तो ये क्या बताता है मेरे को कि ये चीजें जो है, पहले तो आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाइए तो 1/2 और पूरे का पावर 3 कर लीजिए तो ये भी 1/8। बड़ी सिंपल चीजें हैं ना, इसमें इतना उलझने की जरूरत ही नहीं है। तो 3-4 रूल रेगुलेशंस हैं, उनको आप फॉलो करते रहिए और सारा क्वेश्चन होते रहेगा। कई लोगों का आंसर सही है एकदम, कुछ लोग बता रहे हैं कि आंसर इज 1 सही है। हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए भाई, हमें 288 का जो है प्राइम फैक्टर लिखना चाहिए, है ना। ये बन जाएगा 2 × 144, यहाँ 2 से जब करेंगे ये बन जाएगा 72, 2 से जब करेंगे तो ये बन जाएगा 36, फिर 2 लिखेंगे ये बन जाएगा 18, बढ़िया है भाई, ये बन गया 2 से फिर 9 और ये बन जाएगा 3 और ये 3, ऐसे लिख के खत्म कर लेंगे। अब समझो ये 2 की कितनी पावर हो गई मेरे पास, 5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इधर पड़े हुए नंबर को हम 2 पावर 5 × 3 पावर 2 लिख सकते हैं। कंपेयर कर लीजिए, 2 का पावर 2 के पावर से कंपेयर होगा और मल्टीप्लाइड बाई ये 3 का पावर जो है 3 के पावर से कंपेयर होगा, ठीक है क्या? तो हम लोग लिख लेंगे कि इसका मतलब x+4 कितना होना चाहिए, 5 के बराबर, और x+1 कितना होना चाहिए, 2 के बराबर। तो यहाँ से भी x=1 आ गया और यहाँ से भी x=1 आ गया, तो मेरा फाइनल आंसर कितना बन जाएगा, x=1। आई थिंक बहुत आसान सवाल है ये और आपसे होने भी चाहिए, ठीक है क्या? ठीक है, नोट हो जाए तो आप सब बताएं, हम लोग अगले पेज पे हैं, थोड़ा और डिस्कस करें चीजों को। बहुत बढ़िया, कई लोगों का आंसर सही है, मानसवी, सिमरन, संकल्प, स्वर्ण, ठीक है क्या, यशोलक्ष्मी, रिद्धि, सबका आंसर सही है। जितने लोगों ने बल्कि बताया है सबने 1 बताया है, इट्स वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। खुशी, रेज हैंड ना कीजिए, आपको जो भी पूछना है इसमें पूछिए, हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन, वही तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आप बोलें ये प्रॉब्लम मेरे को आप सॉल्व करके दिखाइए। यहाँ लिखा है 3rd पावर, देखो यूं जब लिखा जाए ना तो इसका मतलब क्या होता है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। 1/64 to the power -2, जब देखिए यूं लिखा होता है ये ए और यहाँ एम लिखा होता है, तो इसका मतलब होता है कि ये लिखा हुआ है 8^1/m, ठीक है क्या? और अगर सिंपली यूं लिखा है तो इसका मतलब होता है रूट, रूट का मतलब power 1/2। लेकिन मेरे को अगर power 1/3 लिखना होगा ना तो मैं यूं लिखूंगा 3 और यहाँ पे a, ऐसा। ये 3 times नहीं है ना, ये रूट के अंदर अगर यहाँ पे चढ़ा के लिखा जाए तो 3 times नहीं है, ये लिखा हुआ है 8^1/3, ये लिखने का ये तरीका होता है। तो उस तरीके से अगर हम इस वाले को सिंप्लीफाई करना चाहें तो सबसे पहले सबसे आसान वाला स्टेप हम ढूंढेंगे, हम लोग इसको लिख लेंगे कि देखो भाई ये ऐसे लिखा हुआ है 1/64 to the power -2 और इस पूरे का power 1/3 लिखा हुआ है। अब इस माइनस सिंबल की वजह से एक एक चीज ध्यान से, जल्दबाजी में गलत होता है सवाल, पावर में अगर माइनस है तो ये रेसिप्रोकल कर लिया जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये बनेगा 64 to the power 2 और यहाँ बन जाएगा power 1/3। हम 64 को 8 स्क्वायर लिखते हैं क्या, तो 8 स्क्वायर यहाँ हम लोग लिख लेंगे 8 स्क्वायर, है ना, और ये बन जाएगा (2 and 1/3), बहुत बढ़िया। अच्छा 8 को इसको आप यूँ लिख सकते हैं क्या, 8^2 (2 × 1/3), बहुत अच्छा। जल्दबाजी नहीं, मेरा बार बार यही कहना है, ये बन जाएगा 8^2 यहाँ बन जाएगा 4/3। इस वाले चीज को थोड़ा और यहाँ ले आओ भाई, तो हम लोग 8 को क्या लिख सकते हैं, 2^3 × 4/3, एक ऑलरेडी था, ये 3 से 3 कैंसिल, ये लिखा हुआ है 2^4, 2 × 2 × 2 × 2, कितना बन जाता है ये 16। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको कभी गलत, बहुत अच्छा, कई लोगों ने लगातार सही आंसर दिया है, ठीक है। तो देखो अगर आप लोग एक बार लिख दिया ना तो हमने देख लिया। अच्छा परीसा, ये आपका आंसर गलत है, +2 - 2 नहीं होगा, ये 16 होगा आंसर, ठीक है क्या? इसमें हाँ सर्ड्स बोलते हैं इसको, बिल्कुल सर्ड्स बोलते हैं, बिल्कुल ऐसा करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी आएंगे, पहले सब लोग को अगर ये चीजें क्लियर होते हैं तो हम लोग इससे आगे भी बढ़ेंगे, बिल्कुल ठीक है क्या? चलो एक और सवाल, सबको ये सॉल्व करके मेरे को दिखाना है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है थर्ड रूट ऑफ एक्स वाई स्क्वायर एंड डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर वाई। ठीक, देखो भाई पहले तो इसमें अपना नाम अच्छे से लिखा करो आप लोग, अगर आप नाम लिखोगे ओप्पो R17NEO तो फिर मेरे को मालूम ही नहीं चलेगा आपका नाम क्या है, यही आपका नाम है क्या? अब अपना नाम लिखिए, जो भी नाम है, विशाल कुमार, भूषण कुमार, जो भी नाम, अच्छा सा नाम होगा भाई, ऐसे क्यों लिख रहे हो ओप्पो, ये कोई नाम हुआ? तो बड़ा फनी है, ऐसे नहीं कीजिए, मेरे को मालूम तो चलेगी हमारी बात किससे हो रही है ना, मैं ओप्पो को क्वेश्चन बता रहा हूँ क्या, ओप्पो F7 को क्वेश्चन बता रहा हूँ। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा आप लोग सिंप्लीफाई कीजिए, इसको सिंप्लीफाई करने का मतलब है एक्स की सम पावर अलग कर देनी है और वाई की सम पावर अलग कर देनी है। एक से दो मिनट का समय रहेगा, उसके बाद फिर ये डिस्कस किया जाएगा। बहुत अच्छा स्वर्ण का आंसर सही है, लेकिन थोड़ा और आपको सिंप्लीफाई करके देना चाहिए, रिद्धि गलत हो गया, ठीक है रिद्धि गलत हो गया, चेक कीजिए थोड़ा। चेक कीजिए, आदित्य एक बार और चेक कीजिए कहीं गलत रह गया। कुछ लोगों का ही सही आपका रहा है, आदित्य सही है आपका आंसर। अब देख लीजिए, सब लोग देख लीजिए अच्छे से। सर ये वेरिएबल वाला कैसे करते हैं, मैं दूसरा आदित्य हूं। ओके कोई बात नहीं, ठीक है अच्छी बात है। तो चलिए अब सब लोग इस सवाल को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हमसे ये बोला गया है कि भाई देखो ये एक्स वाई स्क्वायर और टू दी पावर कितना लिख दिया 1/3। अब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, डिवाइड का मतलब क्या होता है, मेरे को तो यही समझ आता है डिवाइड का मतलब होता है यहाँ लिखो इसको। अच्छा अब इसको हम ऐसा करते हैं, एक्स के अलग पावर लिख लेते हैं, वाई की पावर अलग लिख लेते हैं। तो ऊपर में एक्स की पावर कितनी लिखी गई है भाई 1/3, वाई की पावर कितनी लिखी गई है भाई 2/3। अच्छा नीचे भी एक्स और वाई की पावर अलग अलग करो, एक्स की पावर कितनी है, वाई की पावर कितनी है। अच्छा इसको एक साथ समझें और इसको एक साथ समझें, तो ये जब x ऊपर जाएगा तो ये कितना बनेगा, x टू दी पावर 1/3 माइनस 2 बनेगा क्या, और ये y टू दी पावर 2/3 और माइनस 1 बनेगा क्या, बिल्कुल यही बनने ही वाला है और तो कुछ है ही नहीं। तो ये सिंप्लीफाई हो गया, कितना बन जाता है, LCM ले लीजिए इसको, तो ये बन जाता है x टू दी पावर ये बनेगा -5/3 एंड y टू दी पावर कितना बनेगा -1/3। थोड़ी सी भी जल्दीबाजी नहीं, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया क्या, बिल्कुल क्या मुश्किल था इसमें, नहीं हो सकता था आपसे, आसान सवाल है हो जाएंगे आपसे, ठीक है। इसी तरीके का मिलता जुलता एक और सवाल दिया जाए क्या, करेंगे सब लोग? संचित का कहना है सेकंड स्टेप फिर से बताइए, देख लेते हैं भाई सेकंड स्टेप दोबारा। हमने क्या बोला कि पहले ये थर्ड पावर लिखा है तो इसको थर्ड पावर, अब ये डिवीजन का क्या मतलब होता है, ये डिवाइड करेगा नीचे आ जाएगा, टू डिवाइड बाई थ्री का मतलब क्या होता है, टू ऊपर रहेगा थ्री नीचे रहेगा, तो बस वही किया हमने, ये एक्स स्क्वायर वाई ये कर दिया। नहीं इससे ज्यादा आप सिंप्लीफाई नहीं होगा, आप कैसे करेंगे, एक्स वाई की हमने वैल्यू थोड़ी दे रखी है आपको, तो ये एक्स स्क्वायर वाई आ गया। हम लोग बोलते हैं इसको अलग अलग करो, थोड़ा एक्स को अलग पावर दो इसका और वाई को अलग पावर दो इसका, वैसे कर दिया हम लोगों ने, फिर अलग अलग सेपरेट किया, x की पावर एक साथ क्लब करके सिंप्लीफाई कर ली, y की पावर एक साथ क्लब करके सिंप्लीफाई कर ली, x की ये पावर और y की ये पावर। 1/3 कॉमन नहीं ले सकते क्या, क्या फायदा है? जैसे मान लीजिए बातें ये हैं कि किसी का ये कहना है कि हम ऐसे नहीं कर सकते क्या इसको, ध्यान से सुनो भाई, ये भी गलत बात नहीं है। किसी का ये कहना है कि हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या कि 1/3 पावर पूरा ऐसे बाहर में
और ये बन गया x टू दी पावर माइनस फाइव एंड y टू दी पावर माइनस वन, ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है, लेकिन बात ये है कि हमारे पेपर में जिस तरीके का वो आंसर लिख के देगा मेरे को, आई हैव टू चूज फ्रॉम वन ऑफ देम, है ना, हमें उनमें से एक सही चूज करना होता है, तो जैसा लिख के देगा उस हिसाब से चूज कर लेंगे, कोई दिक्कत की चीज ही नहीं है। किसी का क्वेश्चन यह है कि रेसिप्रोकल ले सकते हैं ना ताकि नेगेटिव पावर कैंसिल हो जाए। देखो रेसिप्रोकल लेना बिल्कुल मना नहीं है, बिल्कुल मना नहीं है, ठीक है, उस पर भी हम लोग देखेंगे और भी कुछ क्वेश्चन के थ्रू धीरे धीरे चीजों को सीखेंगे। जैसे एक सवाल मेरे पास ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं थोड़ा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि सो दैट, इसमें आपको सवाल भी लिख के देंगे और आंसर भी लिख के देंगे, सो दैट टू टू दी पावर एन प्लस थ्री माइनस टू टाइम्स टू टू दी पावर एन डिवाइड बाई टू टू दी पावर टू एन प्लस टू इज इक्वल टू, हमें दिखाना है कि ये बराबर है थ्री बाई टू टाइम्स वन अपॉन टू पावर एन के। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, इसमें भी सेपरेट करो अलग अलग और इसको सिंप्लीफाई करो, निश्चित आएगा, ठीक है क्या, इस पर भी आपको दो मिनट का ही समय दिया जाएगा। Can you show the last page, please? बिल्कुल, छूट गया तो फिर क्यों नहीं देखेंगे, देखिए जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, उसको बाद में आप लिख लेना, हो गया। देखो सारे नंबर रेशनल नहीं होते हैं, अब कुछ लोगों का लगातार ये सवाल आ रहा है कि 2 पावर 1 बाई 3 को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हर चीज नहीं सिंप्लीफाई हो सकती है ना। यहाँ पे एक बार पहले इसको पढ़ देते हैं, ये लिखा है 2 की पावर n प्लस 3, यहाँ लिखा है 2 टाइम्स 2 पावर n, यहाँ नीचे लिखा है 2 पावर 2n प्लस 2, तो ये पूरा 2n प्लस 2 जो है 2 की पावर में ही है। अब जैसे देखो अभी दो ही क्लास हुआ है हमें ये समझे हुए कि ये 2 पावर 1 बाई 2 जो है ये रूट 2 होता है और रूट 2 जो है एक इरेशनल क्वांटिटी होता है, तो आप इरेशनल क्वांटिटी को p बाई q के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो ये मत सोचो कि 8 पावर 1 बाई 3 तो 2 हो गया तो इसी तरीके से 2 पावर 1 बाई 3 भी सिंप्लीफाई होके कुछ बन जाएगा, नहीं ऐसा हमने बिल्कुल नहीं बोला है, ठीक है क्या। तो कुछ नंबर रेशनल भी हैं जो कि p बाई q के फॉर्म में आराम से आ जाएंगे और कुछ नंबर इरेशनल भी हैं जिनको हम सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते, तो उस पर ज्यादा बहस की चीज ही नहीं है। दो मिनट का और समय रहेगा इस पे, आप सब इस पे ट्राई करें, बताएं मेरे को, सब लोग ये सवाल सही करोगे तो हम लोग एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन करेंगे जो बहुत कुछ सीखने को देगा आपको। एक चीज हम देखते हैं कि बहुत कम लोग होमवर्क सबमिट करते हैं, मतलब जितने लोग यहाँ क्लास अटेंड करते हैं उसकी तुलना में अगर हम बोलें तो 30% लोग भी नहीं होते हैं, तो क्या बाकी लोग होमवर्क करते नहीं हैं या फिर वो सबमिट करना नहीं चाहते हैं, ये दोनों ही केस में गलत है, ठीक है। हाँ बिल्कुल कई लोगों ने सबमिट किया है, मुझे कुछ लोगों के तो नाम भी ध्यान है, अच्छी बात है, वो तो दिखता है कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, तो इसमें हमारा कोई बेनिफिट नहीं है, हम लोग आपको हेल्प करने के लिए डेडिकेटेड हैं, बट आप वो हेल्प लेने को तो तैयार रहो। आकांक्षा बिल्कुल सही है, सब बहुत लोगों ने किया है, हमने ये नहीं बोला नहीं किया है, लेकिन बहुत लोगों ने नहीं भी किया है, और जिनने नहीं किया है उनको समझ आ गया होगा कि हाँ सर बिल्कुल आप मेरे ही बारे में बात कर रहे हो, ठीक है क्या। तो चलिए LHS is equal to RHS आ रहा है, नहीं LHS is equal to RHS तो आएगा, वही चीज मेरे को देखना है कि ये आता कैसे है, चलिए बता दिया जाए। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको अलग अलग करो भाई, इसके नीचे ये पूरा लिखो और इस वाले के नीचे भी ये पूरा लिखो, पहले इतना कर लेते हैं। तो हम लोगों ने इसको लिख लिया, ये बन गया 2 पावर n प्लस 3, इसके नीचे भी ये लिखा हुआ है 2 पावर 2n प्लस 2, और माइनस ये बन जाता है 2 टाइम्स 2 टू द पावर n डिवाइड बाई, यहाँ भी बन जाता है 2 पावर 2n एंड प्लस 2, अलग अलग कर लिया हम लोगों ने इसको। अगर और एक स्टेप सिंप्लीफाई किया जाए तो
तो हम लोग बोलेंगे कि ये ऊपर जाएगा तो घट जाएगा उस पावर में से, ये बनेगा 2 power n + 3 - 2n - 2 एंड माइनस ये बन जाएगा पहले ऊपर वाला हिस्सा, कौन सा हिस्से की बात हो रही है, ये वाला, ये अपने आप में क्या लिखा हुआ है पहले वो देख लेते हैं हम लोग। दिस टर्म इज इटसेल्फ रिटन एज 2 power, देखो यहाँ का पावर 1 और यहाँ का n, ये कितना बन चुका है n+1, तो जब ये n+1 खुद ही है तो अब हम लोग इस तरह से लिख रहे होंगे 2 power n+1 और नीचे वाली चीजें जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी -2n - 2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें हम लोग, ये बन जाता है 2 power 1 - n माइनस, ये कितना बन जाता है 2 power -1 एंड माइनस n। अब इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई करूं, इसको क्या करना है मेरे को, इसमें से हम लोग बोलेंगे कि इसको यूं लिख सकते हैं क्या भाई, सब लोग ध्यान से देखते रहो है ना, बिल्कुल जल्दबाजी करेंगे गलत होने लगेगा। इसको हम यूं लिख सकते हैं क्या, 2 upon 2 power n बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस इसको यूं लिख सकते हैं क्या, 2 power -1 upon 2 power n लिख सकते हैं। इन दोनों में से मैं 1 upon 2 power n कॉमन ले सकता हूँ क्या, 1 upon 2 power n, उसके बाद ये कितना बन जाएगा 2 - 1/2। इसको हम सिंप्लीफाई कर लें एक स्टेप केवल दूरी पे, ये बन जाता है 4 - 1, ये बन गया 3/2। और यही चीज मेरे को कहीं ना कहीं लाने को बताया गया था कि देखो यहाँ पे, यहाँ जहाँ हम लोग मार्क कर रहे हैं 3/2 times 1 upon 2 power n लाना था, और हम कहीं ना कहीं उतना लाकर दिखा देते हैं। हमारे ख्याल से चीजें मुश्किल नहीं है, अगर आप इनको एक साथ लेकर चलेंगे तो LHS = RHS आ रहा है, बिल्कुल आएगा ही आएगा। पूछो इसमें जहां भी दिक्कत लग रहा हो, जिसको भी पूछो, और अगर समझ आ रहा हो तब भी हमें बताओ। वो 3/2 कैसे हुआ, अच्छी बात है 3/2 कैसे हुआ। चलो भाई देखो, ये LCM लेने आता है ना, LCM लेने आता है तो LCM ले लेंगे तो 2 नीचे आ गया और ऐसे आ गया फिर। अच्छा, कुछ लोगों का ये सवाल है कि ये फिर से एक बार सुबह शुरू से देखो भाई, शुरू से देखो क्या हुआ। हम लोगों ने, चलिए थर्ड लाइन फोर्थ लाइन हटाओ, शुरू से देखो सारा। तो इस वाले के नीचे ये पूरा लिखा जाएगा बिल्कुल, और इस वाले के नीचे भी ये पूरा लिखा जाएगा। तो हमने जब यूं लिखा तो ये जो पावर ऊपर में है और नीचे में, नीचे वाला पावर जाके ऊपर में सब्ट्रैक्ट होता है क्या, तो सब्ट्रैक्ट हो गया। फिर उसी तरीके से इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो देखा भाई ये 2 power 1 है अपने आप में, तो 2 power n+1 तो ऊपर ही लिखा हुआ है। अब ऊपर वाले पावर में से नीचे वाला पावर जाके घट जाता है, तो इसको घटा घटा के लिख लो भाई, ये कितना हो गया -n+1, ये कितना हो गया -1 - n। हम लोगों ने इन दोनों टर्म में से बोला देखो ये 2 power - n, सब लोग ध्यान से, ये 2 power - n को अगर अलग अलग करें तो ये 1/2 power n बनेगा क्या। उसके बाद यहाँ पड़ा हुआ 2, यहाँ पड़ा हुआ 2 power - 1, ये आपस में नहीं सिंप्लीफाई होंगे क्या, नहीं क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ तो फिर पूछो क्या करना है। देखो भाई ये जो ओप्पो R17 जो भी है, अपना नाम लिखोगे तभी हम बात कर पाएंगे आपसे। फिर से एक बार सुन लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, सुन लो भाई। हम लोगों ने क्या किया कि इस टर्म को इससे डिवाइड कर दिया और दूसरे वाले टर्म को भी डिवाइड कर दिया। तो देखो ये वाला टर्म जब इससे डिवाइड होएगा तो हम क्या जानते हैं, जो सर्कल में रेड किए हैं वो वाला हिस्सा बता दीजिए। देखिए ये तो बहुत ही आसान पार्ट है, अगर हम इस हिस्से को एक बार दोबारा समझना चाहते हैं, इस वाले हिस्से को, सब लोग यहाँ देख लो, तो ये क्या लिखा हुआ था, ये यहाँ पे कहीं था 2 power 1 और मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ ये मल्टीप्लाइड बाई 2 power n था, तो हम लोग क्या इसको n+1 नहीं लिखेंगे, तो वही तो लिख रहे हैं यहाँ n+1, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये 2 power n + 1 यहाँ आ गया और डिवाइड बाई 2 power 2n + 2। तो हम लोग इसको जब हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है भाई, कौन सा रूल पढ़ा है आपने, ऐसा हमने ये पढ़ा है कि a पावर m अपॉन a पावर n को a पावर m माइनस n लिखते हैं। इधर ऊपर राइट कॉर्नर में देखें आप जहाँ हम लिख रहे हैं, तो a पावर m अपॉन a पावर n को ऐसे लिखते हैं, तो ठीक है नीचे वाली पावर जाके ऊपर सब्ट्रैक्ट होती है, तो हम समझ गए यहाँ भी ठीक है ये नीचे वाला पावर जाके ऊपर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ भी नीचे वाला पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिंप्लीफाई होके ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। इसको देखो एक बार, जहां दिक्कत लगे वहां हम लोग, 2 divide by 2 cancel क्यों नहीं हुआ, कर सकते हैं cancel, लेकिन उससे
ज्यादा अच्छा है ऐसे ही ठीक है। देखो ऐसा नहीं बोल सकते कि इस सवाल को करने का सिर्फ यही एक तरीका है, नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोल सकते, ऐसा हम बोल भी नहीं रहे हैं। ठीक है क्या, चलिए एक और सवाल किया जाए। आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाओगे, बिल्कुल सब पढ़ेंगे हम लोग धीरे धीरे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, देखिए अब ये वही सवाल है कि इसमें वैल्यू ऑफ एन की जरूरत ही नहीं है, उसने जब नहीं दिया है, अगर आपको वो वैल्यू ऑफ एन देगा तो वैल्यू ऑफ एन अगर देगा तो फिर आपको उसमें वैल्यू एन की रखनी चाहिए। होमवर्क प्लीज, हाँ बिल्कुल होमवर्क की भी बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट चीज जो है कि जैसे कुछ क्वेश्चन आपको हम बताएं जो आपको घर से करके लाने हैं, ठीक है क्या। तो पहला सवाल तो ये रहेगा आपका कि इसको सिंप्लीफाई करें आप कि दो छोटे छोटे क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको और दोनों आपको सिंप्लीफाई करके लाने होंगे। सबसे पहला तो ये रहेगा कि दिस इज 16 टू द पावर 3/4 पहला सवाल। दूसरा सवाल रहेगा 7 टू द पावर 1/2 एंड 8 टू द पावर 1/2 ये रहेगा। एंड द थर्ड वन इज गोइंग टू बी तीसरा एक और क्वेश्चन लिख ही लेते हैं, ये बन जाता है फाइंड एक्स इफ 5 टू द पावर एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर 2x-8 इज इक्वल टू 225। ये तीन सवाल आपके होमवर्क में रहेंगे। और जो मेरा नंबर है एक बार दोबारा लिख लो सब लोग, ये लिखा हुआ है 6205659540। मेरा ये कोशिश है कि आप IIT तक जाएं, मेरा ये कोशिश है कि आपको जो भी होमवर्क दिया जाता है आप सब लोग सिंसियरली इसको सबमिट करें। अगली क्लास में निश्चित रूप से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, निश्चित रूप से। हाँ ये आपस में मल्टीप्लाइड है भाई, यहाँ पे ये मल्टीप्लाइड है, ठीक है क्या, यहाँ भी मल्टीप्लाइड है। तो अगली क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और उसके बाद आपको हम असाइनमेंट भी देंगे, असाइनमेंट आपको शुभम सर के थ्रू मिलेगा। तो हमारी टीम डेडिकेटेड है आपके लिए, आप अगर पढ़ने को तैयार हैं हम आपके साथ JEE के समय आखिरी दिन तक आपके साथ काम करने को तैयार है। 11th, 12th और 9th और 10th के कौन से चैप्टर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, देखिए अगर हम लोग यहाँ पे सारी चीजें बेसिक से पढ़ रहे हैं ना, कोई भी चीज हम लोग इसमें स्किप नहीं कर रहे हैं, तो अगर आपको 10th, 9th की कुछ चीजें अगर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर नहीं भी है तो उसको भी हम लोग यहाँ क्लियर करते हुए ही आगे बढ़ेंगे, तो आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है, लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो आज का टारगेट अपने ये रहेगा कि ये जो होमवर्क दिया गया आप सब लोग एकदम ईमानदारी से इसको सबमिट करें और इसमें किसी का डिले नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दो दिन बाद कर रहे हैं कुछ ही लोग कर रहे हैं, नहीं, जितने लोग यहाँ क्लास अटेंड कर रहे हैं सभी लोग इसको सबमिट कीजिए, इसमें आप ही का बेनिफिट है। वैसे कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए फिर से वही बात बताया हमने कि जो भी चैप्टर जैसे APGP आपने पढ़ा है, AP आपने पढ़ा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, तो हम ये नहीं मान के चलेंगे कि आपने AP पढ़ा है। हम जब AP पढ़ाएंगे आपको तो हम एकदम बेसिक से ही चीजों को शुरू करेंगे। ये चैप्टर अगली क्लास में खत्म होगा और उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के बारे में बात करेंगे। ओके तो हाँ बिल्कुल सबमिट करना है। अपने क्लास के स्टार्टिंग में क्या करवाया था, मैंने लेट से ज्वाइन किया था, नहीं क्लास के स्टार्टिंग में तो काफी देर तक बातें ही हुई थी, तो हमने ऐसा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं किया है, तो उसमें आपका कोई नुकसान नहीं हुआ है, घबराने की बात नहीं है। आर्ट्स में मैथ और साइंस छोड़ सकते हैं क्या, आर्ट्स अगर आपको लेना है तो बिल्कुल मैथ और साइंस तो छोड़ना ही पड़ेगा फिर। ओके बाय बाय, सब लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। सबमिट किधर करना है ये भी जान लो भाई, सबमिट किधर करना है, सबमिट कैसे करना है, ये जो नंबर लिखा हुआ है ना इस पे व्हाट्सएप है, तो आपको अपने क्वेश्चन करके फोटो खींच के और उसको भेज देना है, अपने नाम के साथ नीचे नाम लिखना है अपना। ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल थैंक यू, फिर जल्दी मिलेंगे हम लोग। इस चैप्टर का प्रैक्टिस सीट आपको अगली क्लास के बाद देंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक चैप्टर भी शुरू करेंगे।
आप अपना क्वेश्चन हमको व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, जब हम फ्री रहेंगे तब देख लेंगे, ऐसा रहेगा। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल, थैंक यू थैंक यू। अच्छे से पढ़ाई करते रहें, कोई भी दिक्कत हो कंसल्ट कीजिए हमसे।